Good afternoon, and a very warm welcome to the Black Hole. Uh, today we are going to discuss the theatre of Samuel Beckett, uh, same waiting for Godot, famed Irish novelist, dramatist, short story writer, theatre director, poet, and uh, literary translator. The one whose work is marked by a prevailing sense of reduction, uh, something that causes a characteristic meaninglessness. Magar is. मीनिंगसनेस की क्या मानवीय है, है भी या नहीं और ये कि uh, उनकी तहरीरों में एब्सर्डिटी या एट टाइम्स नॉन सेंसिकल एलिमेंट हमें क्यों दिखाई देते हैं कीपिंग इन माइंड दैट हीज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनंट प्ले राइट्स ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी द वन हु रिसीव नोबल प्राइज़ इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन आज उन्हीं की uh, उन्हीं के थिएटर उन्हीं के तर्ज़ तहरीर उन्हीं की डिक्शन के ऊपर गुफ्तु होगी वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आर स्पीकर वी हैव अहमद उमर एयाज विद अस मेरे बाई जाने मौजूद हैं बल्कि आप आ ही जाए फ्रेम में अहमद उमर रियाज इज़ अ प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर मोर ओवर इज़ द फाउंडर ऑफ किस्सा खानी थिएट्रिक्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड हिज ओरिजिनल प्लेज हैव बीन परफॉर्मड ऑल ओवर द कंट्री करंटली आप सर्व कर रहे हैं एज अ लेक्चरर इन लिटरेचर इन सम्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इस्लाम आबाद आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया प्लीज़ अपने सेल फोन्स अगर आप सैलेंट मोड में कर दें तो फिर हमें आज के मौजूक को समझने में ज़्यादा आसानी होगी बिकॉज देर विल भी नो डिस्ट्रैक्शन मोर ओवर वैन द हाउस इज़ ओपन फॉर क्यू एंड डे आप जरूर इस गुफ्तु में शरीक हुई लेकिन जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट और यह माइक्रोफोन हाथ में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा नाव प्लीज़ वेलकम अहमद उमर अयास आ, थैंक यू शुक्रिया नेहर भाई थैंक यू आप सबका बहुत शुक्रिया आ, और मैं हमेशा ब्लैक होल में जब शुक्रिया अदा करता हूँ तो ये बात कहता हूँ कि हम ये मीन करते हैं हम जब शुक्रिया कहते हैं क्योंकि ऐसे वक्त में ऐसे वक्तों में ऐसे शहरों में थिएटर के बारे में जानना और थिएटर के लोगों लिखारियों ड्रामेटिस्ट्स डायरेक्टर्स के टॉक्स अटेंड करना आ, वो कम ही होता है तो इसलिए हम हम ये मीन करते हैं जब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बिजी स्केजुल्स में से वक्त निकाला और आए आज के आप सैम्यल बैकेट के बारे में जान सकें हम यकीन बैकेट के बारे में हमेशा बात करते आ रहे हैं अपने प्राइवेट सर्कल्स में लेकिन कभी हमें ऐसी स्पेस नहीं मिली जिसमें हम पब्लिकली उनको डिस्कस कर सकें तो ये यकीन ये सहरा भी द ब्लैक होल का ही है कि इनके तवसत से हमें ये मौका मिलता है हम जैसे लोगों को ये मौक़ा मिलता है कि कुछ अजीम ड्रामाटिस्ट या जनरल फनकारों के बारे में अदबी शख्सियात के बारे में फ़िलासफ़र्स के बारे में बात कर सकें तो नियर भाई ने जब मुझे कहा कि थिएटर के हवाले से बात करनी है तो मेरे जहन में एक ही नाम आया और वो सैम्यूल बेकेट का था उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके बारे में मैं थ्रू आउट इस टॉक में मैं बात करूँगा कि वो वजूहत क्या हैं कि मैं सैम्यूअल बेकेट को डिस्कस करना चाहता हूँ और वो क्यों एक बड़ा लिखारी है बड़ा ड्रामाटिस्ट है लेकिन पहले मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उनको फॉर्मली इंट्रोड्यूस भी अगर मैं करा लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आप में से कौन बैकेट से पहले से वाकिफ है या उनके काम से कोई कोई एक कोई कोई, कोई ऐसा शख्स के जिसने सेमिल उल्बैकेट का, का काम देखा हो या पढ़ा हो या जानते हों बेकेट को कोई कोई ऑडियंस में आप आप जानते हैं आप 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 भी जानते हैं क्या वेटिंग फॉर गडो ही आपकी उन उन तारफ़ उनका वेटिंग फॉर गडो ही है जी बिल्कुल एंड गेम एंड भी है यकीन एंड गेम मेरे उनके तमाम खेलों में से जो है वो फेवरेट खेल है तो बिल्कुल ठीक हो गया बेट को शायद यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जानते उसकी उसकी उसकी, उसकी भी यकीनन वजूहात ओबियस हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर लोगों को और मसाइल ऐसे ऐसे मसाइल दरपेश हैं कि जिनकी वजह से बैकेट को कौन पढ़ें या ड्रामा ड्रामा कौन देखें यकीन वो तो डजन ड्रौ, मेक एन इन सेंस क्योंकि ये तो लग्जरी है लग्जरी तो तभी हम आ, वो करेंगे जाएंगे लग्जरी की तरफ जब नेसेसिटी पूरी होगी हमारी तो ये नेसेसिटीज़ ही नहीं पूरी तो अंडरस्टैंड के हम हम ड्रामे नहीं देखते या थेटर से या आर्ट से वो वाकफियत नहीं है लेकिन बेट लिट्ररी जॉइंट है आ, पिछली सदी का शायद सबसे प्रोमिनंट ड्रामा नगार हो अंग्रेज़ी जबान में आ, और मैं जब कहता हूँ सबसे प्रोमिनंट तो उसकी उसकी वजूहत काफ़ी सारी हैं सबसे पहले तो नोबेल लॉरियट हैं नोबेल जीत चुके हैं Uh, और एक रेपटेशन इंजॉय uh, करते हैं थिएटर के अंदर आर्ट के अंदर वो रेपटेशन सिर्फ ड्रामाटिस्ट की नहीं है बल्कि एक फ़िलोसफर की भी है एक क्रिटिक uh, की भी है एक स्कॉलर की भी है uh, क्योंकि बैकेट ने अपना करियर एज एज़ ए स्कॉलर शुरू किया एज अ क्रिटिक शुरू किया uh, ड्रामा तो बहुत लेट उनके करियर में या नोवेल बहुत लेट वेटिंग फॉर गडो कहा जाता है कि 49, 48, 1949, 48 में लिखा गया है और 51 में परफॉर्म हुआ है लेकिन बैकेट की पैदाइश 1906 की है इसका मतलब लगे 50 प्लस के जब उन्होंने अपना पहला खेल जो जो जिस जो उनका क्लेम टू फेम बना वो लिखा तो स्टार्टेड एज अ करटिक मोरफा फिलोसफर आप में से जो लोग जेम्स जॉयस को जानते हैं आयरिश आयरिश नावलिस्ट हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं उनके साथ उनके शागिर्द के तौर पर आ, जो है स्टार्ट किया वो भी आयरिश थे आ, बैकेट भी आयरिश हैं आयरलैंड ने वैसे बड़े नाम प्रोड्यूस किए हैं इस दौर में अगर आप ये 50 साल देखते हैं एटीन से लेकर 1930 तक तो आप आपको आपको ऑस्कर वाइल्ड डब्ल्यू बी एट्स जेम्स जॉयस जी बी शॉ सैम्यूल बेकेट ये सारे लोग इन्हीं तीस चालीस सालों के अंदर मिलते हैं कि जो आयरलैंड ने इतने बड़े लिटरेरी जाइंट्स पैदा किए हुए हैं तो खैर इनका आ, इनको इनको, इनको इंट्रोड्यूस कराने से आ, करा तो मैं खैर चुका हूँ कि वो हैं ड्रामाटिस्ट हैं और नोबेल लॉरियट है, हैं इस्कालर क्रिटिक है लेकिन इनके काम को जानने से आ, जानने के लिए जो इनकी नोबेल साइटेशन है जब इनको जो जो नोबेल मिला हुआ है मैं ज़रा वो जुहेब भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो वो नोबेल साइटेशन जो है वो अगर डिस्प्ले कर दें तो हमारे लिए बेकेट के काम को समझना बड़ा आसान हो जाएगा 1969 में बेकेट को नोबेल मिला हुआ है और उस नोबेल की एक साइटेशन है आ, इसको इसको रीड करते हैं द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1969 वाज नाइन टू सेम्यूल बेकेट for his writing which in new forms for the novel and drama in the destitution of modern man acquires its elevation sa uh, complicated like that i know I understand but uh, जब हम इसको समझते हैं तो ये पूरा पूरी जो लास्ट सेंचुरी है उसके एसेंस को ये हाउ वन वे और अनदर ये साइटेशन कवर करती है जो ट्वेंटी सेंचुरी है जो मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म है आ, ये ये एक साइटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ बैकेट के काम को नहीं बल्कि पूरी सेंचुरी की जो आ, एक एक एसेंस एक है उसको उसको कवर करती है आ, बैकेट व, को लास्ट मॉडर्निस्ट और पहला पोस्ट मॉडर्निस्ट भी कहा जाता है और आप में से जो लोग मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म से वाकिफ हैं उनको इस बात का आइडिया होगा कि ये दोनों मूवमेंट्स जो हैं ये आ, इनकी पहचान है न्यू फॉर्म्स ये इन्होंने लिटरेचर के या आर्ट के आ, ना सिर्फ कंटेंट बल्कि उसके स्टाइल उसके टेक्निक उसके ट्रीटमेंट में भी इनोवेशन ले आने का सोचा और किसी और बहुत बड़ी हद तक ले भी आए एजरा पाउंड टी एस एलियट जेम्स जॉयस वर्जीनिया वुल्फ आपने अगर इन लोगों के नाम सुने हों वो लोग थे जिन्होंने कोशिश की कि अदब जिस तरीके से प्रोड्यूस होता है ड्रामा जिस तरीके से बनता है शायरी जिस तरीके से की जाती है या की गई है उसमें जिद्दत लेकर आई जाए उसके उसके तर्स को बदला जाए और उसके कॉन्टेंट को उसके सब्जेक्ट मैटर को भी बदला जाए आ, एजरा एजरापाउंड इनफैक्ट खालक समझा जाता है इस इस मूवमेंट का आ, जिसको हम मॉडर्नजम कहते हैं आज और जो बाद में जाके पोस्ट मॉडर्नज़म में तब्दील हुई एजरा पाउंड का नारा था स्लोगन था मेक इट न्यू नया बनाओ उसने फिर एक उसकी किताब भी है एंतोलॉजी है उसके ऐसे इसकी मेक इट न्यू के नाम से उसका अपना काम अगर आप देखें uh, तो उसकी जितनी उसकी जितनी नजमें हैं उसके जितनी पोम्स हैं वो वो नई तर्ज की हैं वो विक्टोरियन नज्मों जैसी या वो रोमांटिक नज्मों जैसी नहीं हैं बल्कि वो मॉडर्न नजमें हैं तो ये कुछ नया करना इन मॉडर्न मॉडर्निस्ट की अपसेशन है आ, आ, अगर आप सारा आप, आप टी एस एलियट का काम उठाकर देखें टी एस ने जिद्दत इस इस हद तक आ, आ, अपनाई काम में नया टू मेक इट न्यू वो इस हद तक लेकर आया कि उसका काम आ, उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि वो एक आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो गया आ, एजरा पाउंड का काम आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो गया उस उस एक्सपेरिमेंटेशन उस, उस जद्दत के चक्कर में इनफैक्ट इन लोगों पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी लगता है कि इन्होंने डिलिब्रेटली इंटेंशनली आम आदमी को अपने काम से दूर रखा एक्सक्लूड कर दिया अपनी रीडरशिप से क्योंकि ये चाहते थे कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल ही इनके काम को पढ़ सकें फॉर एग्जांपल देश लैंड टी एस एलियट की मशहूर ज़माना मॉडर्निज्म की बाइबल कहा जाता है द वेस्ट लैंड को उसमें इतनी जिद्दत है मैं जिद्दत का लफ्ज़ यूज़ करूँगा जो कॉम्प्लेक्सिटी में चेंज होती है कि उसको पढ़ने के लिए आपको पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया चाहिए एलियट ने फुट नोट्स लिखे हुए हैं उस नज्म की एंड पर पूरी वो जो लंबी नज़म है ताकि अब अब दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज दैट्स दैट्स समथिंग न्यू फॉर फॉर पोम के उसके नीचे जो है वो फुट uh, नोट्स लिखे गए हों तो इन लोगों का काम था और और बैकेट जो है बैकेट ये जितने नाम मैंने लिए एलियट जॉयस वुल्फ इनका मोर ऑफ मोरफा शागिर्द है जॉयस का डायरेक्ट शागिर्द है और बाकीों यकीनन चूंकि कंपनी एक है तो इनके साथ रहता है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी या ये जो जिद्दत है काम की ये बैकेट के काम में भी है तो आप बैकेट का जो थिएटर उठा के देखते हैं और उसका जो ट्रीटमेंट है कि जिस जिस तरीके से उसने अपने ड्रामे को बनाया है या अपने नावल को लिखा है वो नया है उससे पहले हमें ड्रामा या नावल इस तरस का नहीं मिलता वो कैसे नया है उसके बारे में मैं यकीन इस स्टॉक में बात करूंगा कि उसमें नई चीज़ें क्या हैं बट इट्स समथिंग वेरी न्यू एटलीस्ट उस टाइम के लिहाज से uh, उस तरह का काम हमने पहले नहीं देखा और दूसरी तरफ उसका जो कंटेंट है जो सब्जेक्ट मैटर है वो जिन चीज़ों की नुमाइंदगी करता है जिन जिन आइडियाज़ की नुमाइंदगी करता है जिन जिस फ़लसफ़े की नुमाइंदगी करता है वो फ़लसफ़ा पिछली सदी की पिछले सदी के सबसे मशहूर या पिछले सदी के सबसे ज़्यादा गर्दाने जाने वाले आइडियाज़ में से एक, एक आइडिया था मुझे मुझे चाहिए ये. <laughs> जी, मुझे सॉरी मुझे, तो आ, वो वो पिछले सदी के आ, आ, और उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशलिज़म आपने आपने ये, आ, ये इस फलसफे के बारे में ज़रूर सुना होगा एग्जिस्टेंशलिज़म जहाँ बहुत ऑबियस है बेकेट के काम में शदीद ऑबियस है ही इज़ नो डाउट एन एग्जिस्टेंशलिस्ट राइटर बट बेकेट ने हमेशा एग्जस्टेंशलिस्ट uh, या एग्जिस्टेंशलिज़म uh, के टैग को रिजेक्ट किया है ख़ुद uh, उसने uh, हमेशा इस बात की तरदीद की है कि वो वो एक एग्जस्टेंशलिस्ट नहीं है और उसकी भी वजह ये थी कि वो अपने आप को किसी भी आइडिया uh, के साथ किसी भी आ, और बंदे के साथ किसी और स्कूल ऑफ थॉट के साथ आ, रिलेट नहीं करना चाहता था वो टैग नहीं चाहता था कि उसके काम के ऊपर टैग लगे कि ये एक्जिस्टेंशलिस्ट राइटर है या ये एब्जर्डिस्ट राइटर है या दिस एंड दैट तो आ, वो भी जिद्दत ही की वजह से कि वो कि दे वांटेड कि वो कुछ नया करें आ, ये सारे लोग तो अब अब हम अगर इस आ, उसको देखें साइटेशन को देखें तो साइटेशन हमें कहते हैं कि बेकिट को नोबेल मिला हुआ है उसके राइटिंग की वजह से फॉर हिज फॉर हिज राइटिंग और राइटिंग जो उसकी है विच इन न्यू फॉर्म्स फॉर द नावल एंड ड्रामा इन द डेस्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन एक्वायर इट्स एलिवेशन वो राइटिंग जो है वो अपनी अजमत अपना अपनी एलिवेशन उस तक पहुंचता है किस की वजह से न्यू फॉर्म्स की वजह से क्योंकि उसमें न्यू फॉर्म्स हैं राइटिंग और नावल uh, और ड्रामा में और साथ ही साथ उसमें रिप्रेजेंटेशन है डस्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन की डस्टिट्यूशन टर्म uh, मुझे बड़ा अच्छा लगता है uh, मैं अभी तक पिछले साल तक इसको डिस्क्राइब करता था या ट्रांसलेट करता था गुरबत Uh, मेरे जहन में वर्ड आता था फिर मेरे 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 मेरी एक दोस्त है स्टूडेंट है उसको मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा था साइटेशन uh, उसने मुझे कहा डिस्टिट्यूशन का बेहतर ट्रांसलेशन uh, uh, होगी मुफलिसी और और मुझे तब जाके ये टर्म वाकई समझ आया कि हाँ मुफलिसी है कि पिछली सदी के इंसान की मुफलिसी और वो मुफलिसी फाइनेंशियल uh, नहीं है वो मुफलसी uh, वो दो वर्ल्ड वॉर्स का प्रोडक्ट uh, है कि जो दो वर्ल्ड वार्स हम हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस सदी में रहते हुए कि चालीस सालों के बीच पूरी दुनिया दो दफ़ा पूरी दुनिया लड़ती है एक दूसरे से उससे जो तबाही होगी बैकेट ने वो दोनों वर्ल्ड वार्स जो हैं एक्सपीरियंस की हुए हैं एक में टीन है एक में वो यंग प्ले है जो लिखना चाहता है क्रिटिक है और वो उसके बीच रहा हुआ है साथ ही साथ जो मॉडर्निज़म का जो पोस्ट इंडस्ट्रियल यूरोप का के का अर्बनाइजेशन है क्योंकि आपको इस बात का आइडिया होगा कि कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब यूरोप में आए और पर्टिकुलरली द यूनाइटेड किंगडम में तो उससे पहले वो रूरल आबादी थी उनकी और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से देर इज़ दिस अर्बन माइग्रेशन है ग्रेट अर्बन माइग्रेशन है और वो अर्बन सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं तो ये जो पिछली सदी है ना नाइनटीन ये आ, इसमें जो जनरेशन बॉर्न हुई है लेट्स से जो लोग आ, 1900 के बाद पैदा हुए हैं वो फर्स्ट जनरेशन है कि जो पोस्ट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में पैदा हुई है इनके वालदे किसी हद तक अपने रूरल बैकग्राउंड से वाबस्ता थे लेकिन ये लोग आ, वो लोग हैं जो पहली मर्तबा अब शहर में आकर पैदा हुए हैं इनको नहीं पता कि रूरल जिंदगी क्या है ऑल दे नो इज़ और ऑल दे हैव एक्सपीरियंस्ड इज़ द अर्बन अरबनाइजेशन और द अरबन इन्वायरमेंट एंड फॉर दैट वेरी रिज़न दे आर वेरी एलियेट एलियट हैं uh, 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 तनहाई का शिकार हैं uh, ये तनई ये एग्जिस्टेंशलिज़म uh, जो पिछले पिछले पूरे दौर में रहा uh, ये वर्ल्ड uh, वार्स uh, की तबाही इन सब की वजह से मॉडर्न मैन जो इधर एक टर्म यूज़ हुआ है ना मॉडर्न मैन फॉर इन दस्टिट्यूशन मॉडर्न मैन ये मॉडर्न मैन एक आर्टिस्टिक uh, फिगर के तौर पर पिछली सदी में इसको डिस्कस किया गया है कि मॉडर्निज्म बाय द वे जस्ट 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 फॉर रेफरेंस क्योंकि मैंने रेफरेंस के बगैर ही बता दिया मॉडर्निज्म से हमारा हम, हमारा मतलब है 1900 से लेकर 1950 तक जर्नली और 1914 से लेकर 1945 तक इन पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उसको मॉडर्न टाइम पीरियड बोलते हैं आर्ट के अंदर तो ये जो पिछली सदी का पहला हाफ है उसमें जो लोग पैदा हुए या, या उन सबको एक टर्म से हम डिस्क्राइब करते हैं वी कॉल द मॉडर्न मैन और ये मॉडर्न मैन जो है ये मॉडर्न मैन तनह है एलियनेटेड है इस मॉडर्न मैन को जहाँ माशरे से मसाइल हैं या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्स हैं उसके वही इंटरनालाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट हैं इसके ये ख़ुद से भी जंग लड़ रहा है ये बाहर से भी इसको खुद नहीं पता कि माशरे में इसकी क्या जगह बनती है और और यकीन उसमें बहुत सारे वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें कॉस करती हैं लेकिन ये ऐसा ही है तो ये जो डेस्टिट्यूशन है ये जो मुफलिसी है मॉडर्न मैन की ये दरअसल ये वाली मुफलिसी है एग्जिस्टेंशियलिस्ट मुफलिसी है ना कि उसके पास पैसे नहीं है वो वाली गुरबत नहीं है तो इस मुफलिसी को रिप्रेजेंट किया है बेकेट ने अपने काम में और साथ ही तो वो हो गया इसका कंटेंट इसका इसका सब्जेक्ट मैटर कि किस बारे में ये बात करता है और तरीक़ाकार क्या है ट्रीटमेंट क्या है वो है न्यू फॉर्म्स जो न्यू फॉर्म्स फॉर इज नावल एंड ड्रामा है तो बेकेट के काम में डिस्ट्रीट्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन है और ट्रीटमेंट है न्यू फॉर्म जिसकी वजह से उसका काम अपनी अजमत या अपनी एलिवेशन को पहुंचता है इट एक्वायर्स इट्स एलिवेशन द राइटिंग Uh, जिसकी वजह से उसको नोबेल दिया गया uh, अब मैं थ्रू आउट इस टॉक इस ट्रीटमेंट और इस सब्जेक्ट मैटर पर डिटेल में बात करना चाहूँगा और आपको बताऊँगा कि बैकेट के काम में ये ट्रीटमेंट uh, और ये सब्जेक्ट मैटर कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पाया जाता है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्टेंट uh, से मैं कॉन्टेंट से स्टार्ट करूँगा ईजी आई आई बिलीव एग्जिस्टेंशियलिज्म आप सब ने uh, फलसफे के बारे में सुना हुआ है एग्जिस्टेंशलिज्म दरअसल और रा प्योरली मॉडर्न वो है फलसफ़ा है इससे पहले हमें इस जैसा फ़लसफ़ा नहीं देखने को मिलता है तारीख में इसके कंट्रास्ट में एक और फ़लसफ़ा है जिसको हम इसेंशलिज़म बोलते हैं वो था और ये इसेंशलिज़म का रिजेक्शन है एग्जिस्टेंश्म जो है दोनों क्या हैं मैं आपको बताता हूँ इसेंश्म uh, कहता है कि किसी भी चीज़ के वजूद में आने से पहले उसका एसेंस मैं आज तक मैं पिछले पाँच सालों से तो फॉर्मली पढ़ा रहा हूँ एग्जिस्टेंशलिज़म लेकिन मैं एसेंस टर्म को नहीं समझ पाया खुद और ना मैं समझा सकता हूँ कि एसेंस वर्ड के एसेंस से क्या मानी है लेकिन मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ जिससे आपको शायद आइडिया हो जाए कि इसको एसेंस बोलते हैं एसेंशलिस्ट्स uh, कहते हैं uh, किसी भी चीज़ के वजूद में आने से पहले उसका एसेंस मौजूद होता है वो बात नॉन लिविंग चीजों के लिए भी है और वो लिविंग इंसानों के लिए या लिविंग चीजों के लिए भी एग्जिस्ट करती है ये एसेंस तो एसेंस क्या है uh, एसेंस की एग्जाम्पल है और ये कैसे हो सकता है मुझे मैं जब सुनता हूँ मुझे मुझे लगता है पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज वजूद में ना ही और कोई चीज उससे पहले डिसाइडेड हुई पड़ी हो बट बट समझ में आती है तब जब मैं आपको बताऊं कि ये प्रोजेक्टर जब वजूद में नहीं आया था और किसी ने सोचा था कि एक प्रोजेक्टर बनाएंगे तो उसके जहन में था कि इसका एसेंस होगा कि ये प्रोजेक्ट करेगा लाइट को ये ये काउच ये सोफ़ा जब अपने वजूद में नहीं आया था तो इसके वजूद से पहले जब इसको किसी ने बनाना था तो उसके जहन में था कि कि यह किस काम आएगा इसका एसेंस होगा कि इस पर बैठा जाए किताब का एसेंस होगा कि उसको पढ़ा जाए नाइफ का चेस का होगा कि उसको उसको खेला जाए ये है एसेंस कि कि इसको इसको लोग पर्पस या किसी हद तक मीनिंग के तौर पर भी डिफाइन करते हैं बट आट अट कॉल इट अट नॉट कॉल इट पर्पस और मीनिंग जस्ट सिंपली कॉल इट एसेंस कि ये एसेंस ही है कि चेस का एसेंस है खेले जाना आ, सोफे का है उस पर बैठे जाना प्रोजेक्टर का है उस पर आ, उस पर लाइट प्रोजेक्ट करना वटैवर इसी तरह एसेंशलिस्ट कहते हैं कि इंसानों का एसेंस भी पहले से मौजूद होता है जैसे इन सारी चीज़ों का एसेंस वजूद में आने से पहले मौजूद है एग्जिटेंशलिस्ट जब आए आ, पिछली सदी में Uh, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है उल्टा है। एसेंस मौजूद है कि नहीं है यह तो बाद की बहस है द प्रॉब्लम पहले मौजूद नहीं है एसेंस पहले है एग्जिस्टेंस पहले है हस्ती पहले है आप वजूद में आना आप पैदा पहले होंगे फिर एसेंस बाद में आप दरियाफ्त करेंगे या ढूंढेंगे या मिलता भी या नहीं मिलता वो एक लंबी बहस है उस एसेंस तक आ, रसाई जो है उसके रास्ते बहुत सारे हैं और डिफरेंट फिलासफर्स ने बताए हैं कि वो क्या आप उस तक पहुंच भी सकते हैं नहीं भी पहुंच सकते वो वो दैट्स अगेन अ डिफरेंट डिबेट बट एग्जिस्टेंशियलिज्म का बेसिक आइडिया कोर आइडिया है कि एग्जिस्टेंस पहले है एसेंस से जबकि एसेंशियलिज्म का है कि नहीं एसेंस पहले से है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़े सिंपल वर्ड्स में किस्मत फॉर फॉर इंस्टेंस रिलीजन जो है वो दरअसल एक एसेंशलिस्ट फ़िलासफी uh, है uh, तो रिलीजन में इफ़ यू इफ़ यू लुक एट रिलिजन तो रिलीजन में हमें ये बात सुनने को मिलती है कि uh, किस्मत पहले से या, या तकदीर या जो भी उसको नाम दिया जाता है डेस्टिनी वो पहले से एग्जिस्ट करती है आप पैदा होते हो और फिर जो तकदीर में लिखा होता है आप वो सारा कुछ अचीव करते हो वट एवर सिमिलरली एग्जिस्टेंशलिस्ट कहते हैं कि नहीं ये चीज़ पहले से एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मसला है कॉन्शियस का नॉन लिविंग में तो ठीक है समझ आ जाती है हमें कि चेयर के लिए है कि उस पर बैठे जाना बट इंसान चूंकि कॉन्शियस बींग है शऊर रखता है उस वजह से उसके साथ एक आइडिया अटैच होता है उसको बोलते हैं फ्री विल फ्री विल चूंकि शहूर के साथ अटैच होता है और फ्री विल इज देयर इसीलिए एसेंस पहले से होना इम्पॉसिबल है क्योंकि फ्री विल इज देयर फिर तो फ्री विल कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती अगर एसेंस पहले से है तो बट चूंकि फ्री विल का वजूद है इसीलिए एसेंस पहले से एग्जिस्ट नहीं कर सकती और आपको अपने फ्री विल को यूटिलाइज करते हुए उस एसेंस तक पहुंचना है ये है एग्जिस्टेंशलिज्म इन जर्नल बहुत सारे फिलोसफर्स हैं इसके अंदर किरकेगाड है डैनिश फिलासफर है सोरेन करके गार्ड आ, आ, फ्रेडरिक नीचा है जर्मन फिलासफर जॉन पॉल सार्टर है फ्रेंच आ, अल्बर्ट कमूह है फ्रेंच आ, ये ये वो फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इस एग्जिस्टेंशलिज़म को अपने अपने तरीक़े से डिस्क्राइब किया हुआ है कि कि ये कैसे कैसे एसेंस तक पहुंचा जाए क्या एसेंस वो करती भी है कि नहीं एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं आ, साथ ही साथ फ़्रांस काफका अगर आपने नाम सुना हो जर्मन चेक जर्मन राइटर रशिया में डॉस्टोस् इधर आयरलैंड में वी हैव आ, आ, ट बैकेट ये सब के सब बैकेट काफका जहां फिक्शन लिखते रहे हैं साथ साथ ही साथ फिलोसोफर्स भी हैं आप बैकेट का ये ये कंप्लीट ड्रामा वर्क्स पढ़ा हुआ है आप बैकेट का, का काम उठाकर देखें आपको प्रॉपर आपको लगेगा कि ये फिलोसफी ज्यादा और ड्रामा कम है Uh, क्योंकि वो काफी जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेलेक्चुअल बहस ज्यादा है इन मॉडर्निस्ट के काम में मैंने पाउंड और एलियट की बात की कि इन्होंने आम आदमी के लिए नहीं लिखा हुआ इंटेलेक्चुअल्स के लिए लिखा हुआ है तो वो फिलोसॉफिकल टच आपको ज्यादा मिलता है आपको लगता है कि दे आर दे आर मोर ऑफ फिलासफर्स एंड लेस ऑफ ड्रामाटिस्ट तो बैकेट का, का काम जितना है उसमें ये एग्जिस्टेंशियलिज्म वन वे और अनदर एग्जिस्ट करती है कि, कि लोग हैं कि जो किसी चीज को पाना चाहते हैं आ, वो वो समझते हैं कि ये इस चीज़ का हसूल जो होगा वो चीज़ है या वो कोई और शख्सियत है या वो कोई आइडिया है या वो कोई ख्वाब है जितना भी काम है सब तमाम का तमाम काम ऐसा है कुछ चीज़ को हासिल करना चाहते हैं किसी शख्स से मिलना चाहते हैं कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं आ, और पूरे का पूरा खेल जो होता है पूरे का पूरा नावल जो होता है वो उसी मकसद के हसूल में गुजर जाता है लेकिन मकसद मिलता नहीं है एंड uh, uh, पर फॉर एग्ज़ाम्पल वेटिंग फॉर गडो सबसे मशहूर खेल बैकेट uh, का इनफैक्ट uh, बैकेट uh, का क्लेम टू फेम वेटिंग फॉर गडो ही है uh, जो जो हम सब ने uh, हम यहाँ पे हॉल में बैठे हुए लोगों ने बताया कि वो वेटिंग फॉर गडो की की नस्बत से जानते हैं पढ़ाया जाता है लिटरेचर uh, की उसमें कोर्सेज में पढ़ाया जाता है इधर पाकिस्तान में भी वेटिंग फॉर गडो में दो किरदार हैं हैंस्ट्रागॉन और वैलाडमियर जो इंतज़ार कर रहे हैं गोडो का हमें नहीं पता गडो क्या है uh, शख्स है नहीं पता कोई 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 आइडिया uh, है कुछ टाइम uh, पीरियड है क्या है वी डू नॉट नो हमें इतना पता है कि इन दोनों के लिए गडो से मिलना या उसका आना बहुत शदीद ज़रूरी है इनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही गडो से मिलने पर जो है वो उससे उससे रिलेटेड है कि दे वुड मीट गोडो दे वे वुड रीच और दे वुड अचीव वट दे वॉन्ट टू अचीव इन देयर लाइफ्स गडो गॉड है नहीं पता बट से पूछा गया गडो गॉड है उसने कह नहीं अगर गॉड होता तो मैं गॉड ही लिख देता गडो गडो ही है आ, आ, क्या वो कोई इंसान है हमें नहीं पता जैसे मैंने बताया बट प्ले में होता क्या है कि हमें थ्रू आउट प्ले हर गुजरते लम्हे के साथ लगता है कि गडो अभी आएगा बस आने वाला है बस आने वाला है लेकिन थोड़ा सा लाइक लाइक थर्टी मिनट्स इन टू द प्ले एंड यू रियलाइज नहीं गडो कभी नहीं आएगा और ये दो लोग जो हैं एस्ट्रागोन वेल और वेलाडमियर ये यहाँ पर बैठ कर पिछले आ, पता नहीं कितने टाइम से वो क्या कह, कहते हैं कि हम तो हज़ारों साल से बैठे हुए हैं इधर गडो का इंतजार ही कर रहे हैं एंड दे आर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट वो और कुछ नहीं करते वो इंतजार करते हैं और प्ले जब आगे बढ़ता है तो आपको पता भी चलता है वो आ, आ, खेल खेल के एंड पर इस तरह की लाइंस है कि वी आर नॉट वेटिंग फॉर गडो वी आर वेटिंग फॉर वेटिंग के आपको पता चल जाता है कि ओके दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर वेटिंग सिमिलरली दूसरा खेल एंड गेम एंड गेम है दूसरा खेल मेरा मेरा फेवरेट बैकेट के सारे कामों में से uh, उसमें uh, दो लोग हैं कि जो किसी पोस्ट अपॉक्लिप्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि बाहर निकलें अगर बाहर ना निकलें उसका भी कोई खास मकसद वाजे नहीं है बट दे वॉन्ट टू लोकेट लाइफ आउटसाइड दैट पर्टिकुलर बंकर दे आर लिविंग इन अ बंकर And they, they, they want to locate life outside it. They, they think they believe ke life does not exist outside this bunker. Something uh, has happened, something terrible has happened, which has, which has eliminated everything, which has destroyed everything outside. And they want to locate life outside that particular bunker. And they are quite sure that they would not uh, achieve that. The, and, and they, of course, they do not. At the end of the play, on uh, life will locate Nehikar,pat, Bahir, lekin. दे आर क्वाइट होपफुल कि वो करते रहेंगे और वो प्ले के आखिरी लाइन तक भी उसी चक्कर में हैं एक और खेल है हैप्पी डेज इसका बैकेट का चौथा खेल है बैकेट का मशहूर खेल है वो भी हैप्पी डेज में विनी है कैरेक्टर और विनी रेत में धंसी जा रही है वो 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 टाइम के साथ जब प्ले स्टार्ट होता है तो वो इतनी इतनी रेत के अंदर है और प्ले गुजरते लम्हों के साथ वो रेत ज़्यादा होती जाती है और उसमें धंसती जाती है लेकिन वो एक बात बार बार रिपीट करती है और वो कहती है ओ व्हाट अ हैप्पी डे इट इज ओ व्हाट अ हैप्पी डे इट इज के 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 इट्स डे और खेल खत्म हो जाता है और वो हैप्पी uh, डे कहती रहती है कि इट्स अ अप्पी डे इट्स डे एक और खेल है क्रैप्स लास्ट टेप जिसमें क्रैप अकेला रहता है एक जगह पर और उसकी आदत है कि वो रोजाना अब खुद बैठता है एक टेप रिकॉर्डर पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करवाता है और आ, वो आवाज़ जो है वो वो चाहता है कि वो सुने उसको बाद में सुनेगा वो वो अपनी पहले पहले बल्कि वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कराता पहले वो सुनता है पुरानी जो उसने रिकॉर्डिंग की होती है और गालियाँ देता है ख़ुद को कि ये मैं बेवकूफ़ था और मैंने क्यों किया ऐसे और दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम दिस एंड दैट ब्ला बला, बला उसके बाद वो सब कुछ करके फिर दूसरा दु, टाइप रिकॉर्ड निकाल के ख़ुद दोबारा से अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने लगते हैं दैट्स अ लूप के खुद रिकॉर्ड करता है ख़ुद सुनता है खुद, खुद तनकीद करते हैं देट्स दैट्स समथिंग के जो थ्रू आउट करना भी नहीं चाहता फिर भी करता है उससे तंग भी है फिर भी करता है माजी को याद करता है और ख़ुद माजी का हिस्सा बनता जाता है और कहता है कि माजी को याद नहीं करना चाहिए सो इट्स 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 अ कॉन्सटेंट लूप के जो क्रैप उसको कभी छोड़ेगा नहीं आ, जो जिसमें वो फंसा हुआ है इस तरह के जितने भी बाकी और बाद में जाके बैकेट का थिएटर फिर एक और सिमथ में निकल गया उसके बारे में मैं अभी आने अभी अभी बात करूंगा थोड़ी देर में तो ये आप इन तमाम किरदारों को देखें जितने भी हैं स्ट्रागॉन व्लाडेमेयर हैम क्लोव विली विनी क्रैप ये ये तमाम इसके किरदार मोल अगर मैं नॉवेल्स की बात करूं वॉट पड़ा वेदर मर्फी मोलयल ये चंद नॉवेल्स हैं इसमें भी ऐसे ही लोग हैं मोल मोल मशहूर नॉवेल है, है। उसमें Molloy, अपनी माँ के घर जाना चाह रहा है समथिंग लाइक दैट वो नॉट एग्जैक्टली क्लियर कि वो चाहता क्या है लेकिन आपको नॉवल पढ़ के अंदाजा होता है कि वो माँ के घर जाना चाहते हैं लेकिन वो कभी अपने माँ के घर पहुंचता नहीं है सो सो दैट्स दैट्स द थिंग दैट एसेंस विच वाज टॉकिंग अबाउट कि एसेंस का हसूल मुझे मुझे दो लाइन याद आती हैं एक वेटिंग फॉर गडो की एक एक लाइन है एस्ट्रागोन uh, वालाडमेर से कहता है वो कहता है वी ऑलवेज गिव आवर सेल्फ दी इम्प्रेशन दैट वी एग्जिस्ट हम खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि हम एग्जस्ट एक करते हैं इम्प्रेशन का लफ्ज़ है वी ऑलवेज गिव आवर सेल्फ दी इम्प्रेशन वैडम यार आगे से कहते हैं यस यस वी आर मजिशंस हम 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 यू नो मजिशंस हैं uh, ये रोज़ाना का खेल आज मैं इधर खड़े होकर बात कर रहा हूँ आपसे कोई ना कोई मकसद मेरे जहन में होगा इसको लेकर के क्यों और आप इधर सुनने आए हुए हैं और अभी जाके फिर बाहर अपने कामों में लगेंगे सुबह काम करके आए हैं इसके बारे में मुझे वो वो जॉन जॉन का शेर याद आता है वो जॉन का शेर है ये खराबात आने खिरत बाख्ता सुबह होते ही सब काम पर जाएंगे तो सुबह होते ही सब काम पर जाते हैं आ, ये पूरा जो खेल है ये दरअसल वन वे और अनदर बैकेट के काम में एज अ सब्जेक्ट मैटर आर्टिस्टिकली रिप्रेजेंट किया गया है हम चाहते हैं कि कुछ करें कुछ हासिल करें इवेंचुअली वो मकसद वो मानी ढूंढे इट्स नॉट अबाउट कुछ कि मैं पैसे कमाऊं मैं नौकरी करूं। नॉट 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 डेट द इवेंचुअल गोल इवेंचुअल क्या है इसके पीछे क्या मैं आसाइश चाहता हूं? क्या बीइंग अ रिलीजियस मैन मैं मैं जन्नत चाहता हूं क्या मैं आ, मेरा मेरा जिंदगी का मकसद है कि मैं इवेंचुअली कोई कोई नोबेल जीत जाऊँ या मैं शादी कर लूं या कुछ भी वट एवर बट देर इज़ समथिंग इवेंचुअल जो जो हम हम चाहते हैं बट फॉर देम फॉर द एग्जिस्टेंशलिस्ट दिस इज मोर ऑफ एन इल्यूजन ये इल्यूजन है जस्ट खुद को बावर दिलाने के लिए खुद को यकीन दिलाने के लिए कि हम एग्जिस्ट करते हैं अगर ये एसेंस ये ये झूठ का क्रिएट किया गया एसेंस है अगर ये एसेंस व झूठ का क्रिएट ना करें हम इल्यूजन क्रिएट ना करें हम तो हम अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लग जाएंगे या हम अपनी एग्जिस्टेंस से तंग आ जाएंगे तो जस्ट अपने एग्जिस्टेंस को मानी देने के लिए अपने एग्जिस्टेंस को पर्पज देने के लिए हमने अपने अपने बुद्ध बनाए हुए हैं हमने अपने अपने मकासद बनाए हुए हैं दैट्स देट्स एसेंस इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंशलिजम जॉन पॉल सार्टर कहते है कि इस एसेंस को पाने का तरीका यह है कि आप अपनी फ्री विल को 100 परसेंट एक्सक्लूसिव अथेंटिसिटी का नाम दिया जाता है इसको, के अंदर, कि आप को, और वो कैसे रखेंगे जीरो लेना है और बाय एक्सटर्नल एक्सपोजर मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे मुझे वालदे ने नहीं किया कि मैं ड्रामाटिस्ट बनू और मैं तो अपनी मर्जी से बनाऊं नहीं क्या पता मैं बचपन में जो किताबें पढ़ता था उसने अनकॉन्शियसली मेरे 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 तो उसको कॉन्शियस को मुतासर किया और मैं मैं मैंने या मैं पायलट बनना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बचपन में जहाज उड़ते हुए देखा था ठीक है मुझे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया बट वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो था ना वो अनकॉन्शियस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था तो साडर कहता है कि आपने अनकॉन्शियस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को भी अवॉइड करना है जो हो नहीं सकता तो चूंकि अनकॉन्शियस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी अवॉइड नहीं हो सकता उसको बैड फेथ का नाम देता है वो कि बैड फेथ नहीं हो सकता अवॉइड एग्जिस्टेंस तक पहुंचने का अमल इम्पॉसिबल है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं तो कोशिश हेंशिश चूंकि पहुंचना उसको 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 पाना इंपॉसिबल है क्योंकि हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अवॉइड नहीं कर सकते विल को एक्सक्लूसिव नहीं रख सकते और हम कोशिश भी कर रहे हैं उस तक पहुंचना तो कोशिश अपने आप में एब्जर्ड बन जाती है इसलिए बैकेट के काम को एब्जर्डिस्ट भी बोला जाता है नैर भाई ने शुरू में आके कहा आ, और एक एक किताब लिखी एक क्रिटिक ने और उसके बाद पूरा एक अलग योनरा बन गया इसका आ, क्रिटिक का नाम था मार्टिन एसलिन और किताब का नाम था थिएटर ऑफ द एब्जर्ड जिसमें उसने बैकेट का जिक्र किया है, एनहेंस बैकेट के काम को थिएटर ऑफ द एब्जर्ड भी बुलाए जाने लगा और एब्जर्ड से मानी है ये मीनिंगलेसनेस जो है ये मीनिंगलेसनेस कैसे एग्जिस्ट करती है कि हम कोशिश तो करते हैं किसी ऐसी चीज को पाने की कि हमें लगता है कि हम उसको पा लेंगे लेकिन दरअसल उस चीज का वजूद ही नहीं है वो चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती वेटिंग फॉर गडो में एंड पर पहले एक्ट के एंड पर एक बच्चा आता है और वेडमी और अरेस्ट्रागॉन दोनों बैठे हुए हैं उनको कहता है कि तुम एडम हो हालांकि उसका नाम एडम नहीं हो कहता मैडम पता नहीं क्यों नो आइडिया आ, वो कहता है मैडम कहता है कि अच्छा तुम्हें गडो ने भेजा कहता है हाँ मुझे गडो ने भेजा कहता तुम कल भी आए थे नहीं मैं कल तो नहीं आया था मेरा भाई आया था अच्छा तो गडो कह रहे हैं कि मैं आज नहीं आऊँगा ओके ठीक है वो चला जाता है एक्ट खत्म हो जाता है उधर दूसरे एक्ट के एंड पर सेम बच्चा आता है सेम बच्चा एक्टर सेम है वो क्योंकि खेल है ना इवेंचुअली तो है ये प्ले सेम बच्चा आता है बच्चा कहता है आप एडम हो कहता है मैडम हूँ कहता आपको गडो ने भेजा जी मुझे गडो ने भेजा कहता आप कल भी आए थे कहता नहीं मैं तो कल नहीं आया था मेरा भाई आया था कहता फिर गडो कह रहे हैं कि मैं आज नहीं आ सकूँगा ओके okay, ठीक है एंड दैट्स यू नो वो खेल इसी तरीके से खत्म होता रहता है कि वो आ, आ, उनको पता है कि नहीं आएगा गडो बट वो उससे भी ज्यादा होपफुल हैं उसके बारे में कि वो आएगा एंड होपफुल हैं कि जिंदगी मिलेगी लेकिन वो जिंदगी उनको मिलती नहीं है बाहर लाइफ के कंट्रेस एक ऐसी सिचुएशन में है विनी कि जो धसी जा रही है रेत के अंदर जो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है बट शी इज ऑफ द व्यू के इट इज शी शी वॉन्ट्स दैट हैप्पीनेस शी थिंक्स कि दिस इज दिस इज दिस इज द हैप्पी प्लेस इट्स इट्स मोर लाइक के एक एक, एक, एक इंसान को आ, चाहे वो किसी भी मैं 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 मैं, मैं बैंकर हूँ मुझे और मैं चाहता हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा ड्रीम है और मैं बड़ा खुश हूँ अपने जॉब से कर भी रहा हूँ अपने वो इल्यूजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ रोजाना मैं ख़ुद को ये बावर दिलाता हूँ कि दिस इज़ समथिंग यू नो आई एम वेरी हैप्पी ओ वट अ हैप्पी डे वट अ हैप्पी डे बट ऑल एंड ऑल आई एम मेजरेबल कोई भी काम मैं मुझे मुझे लगता है क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा करने को uh, या अगर ऑप्शन भी है तो वो दूसरा ऑप्शन भी ऐसा ही होगा जैसे ये है तो तो हैंस हैप्पीनेस बिकम्स समथिंग विच वुड विच इज विच इज़ नॉट अचिवेबल आई आई बिलीव बट आई आई गिव माई सेल्फ द इम्प्रेशन दैट i आई I, एम I I'd, I'd yes, uh, so, to तो ये ये चलता रहता है बैकेट के काम में और एक लूप है जो 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 लूप चलता है जैसे मैंने आपको बताया वो हैप्पी डे हैप्पी डे वो कहते हैं गॉडो आएगा 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 वो लाइफ ढूंढते रहते हैं कोई कंक्लूजन नहीं होता किसी भी खेल के एंड पे क्रैप बार बार रिकॉर्ड कराता रहता है अपनी आवाज़ को कोई कंक्लूजन उसको भी नहीं मिलता इस लूप से मुझे एक और एग्जिस्टेंशलिस्ट आइडिया जहन में आता है और वो उस आइडिया या उस उस थियोरी को हम कहते हैं इटरनल रिकरेंस ऑफ द सेम बाय फ्रेडरिक नीचा आपने नीचा का नाम सुना होगा जर्मन फिलोसोफर एग्जिस्टेंशलिस्ट वो कहता है उसने एक आइडिया दिया था आपने शायद आ, सुना होगा उस आइडिया के बारे में नाइलिज्म भी उसको बोला जाता है डेथ ऑफ गॉड भी उसको बोला जाता है ये नीचे का एक आइडिया है आ, वो कहता है कि आ, एक मॉडर्न टाइम में रिलीजन या गॉड का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता फॉर फॉर हिम फॉर फॉर नीचा तो अगर ऐसा है तो फिर हमारा मॉरल सेट या या वैल्यूज का जो जो एक सेट है जो मॉरलिटी है वो कहाँ से हम लेंगे हमें रिलीजन तो बताता है कि आप अच्छा करो बुरा करो आ, ये अच्छा है ये नहीं है दिस एंड दैट हम एक जिंदगी को जो जो रिलीजन को अगर हटा दें उसमें से तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे या ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए क्योंकि फिर तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है या हमारे पास गाइडलाइन नहीं है या वटेवर जो भी है जैसे भी है और 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 ज़िंदगी इन जर्नल ब्लिक बन जाएगी गमजदा बन जाएगी खौफनाक होलनाक बन जाएगी अगर हम उसमें से ये 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 सारी ये 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 रिलीजियस मॉरेटी हटा दें तो उसके लिए फॉर हिम इन सारी चीज़ों का मुकाबला करने के लिए उसका तरीक़ाकार ये है कि आप किसी एक किसी चीज को बार बार एक्सपीरियंस करो जब आप उसको बार बार एक्सपीरियंस करोगे तो वो अपना वैल्यू अपना असर अपना फ़ायदा अपना नुकसान खो देगा अगर आप पे गम बार बार आएगा तो गम आपको गम नहीं लगेगा अगर आप पे खुशी बार बार आएगी तो खुशी आपको खुशी नहीं लगेगी इटर्नल रिकरेंस ऑफ द सेम उसको वो बोलता है नीचा कि जब आप इटरनल रिकरेंस ऑफ द सेम उस साइकिल का हिस्सा बनते हो तो आप आ, 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 आप पे फिर आ, कोई भी चीज़ असर नहीं करती तो हैंस यू डू नॉट नीड टू बी गुड और बैड या आपको पेन और खुशी इन चीज़ों का वजूद आपके लिए नहीं रहता क्योंकि इटर्नल रिकरेंस ऑफ द सेम हो जाती है तो इसके वन वे और अनदर जहाँ साटर के बैड फेथ और अथेंटिसिटी और एब्जर्डिटी वाले कॉन्सेप्ट पूरा उतरते हैं वहीं इटर्नल रिकरेंस ऑफ द सेम जो 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 बैकेट का जो नीचे का आइडिया है थीरी है उस पर भी पूरा उतरते हैं uh, इसके किरदार रिजिलियंट हैं बहुत शदीद रिजिलियंट है और उस पर मैं uh, आगे दोबारा आगे बात करूँगा क्योंकि मैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ कॉन्टेंट uh, तो ये तो है कॉन्टेंट इसका ये तो है कि जिस तरीके से ये जो जो बात ये करता है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है थेमेटिक टेंडेंसी क्या है कॉन्टेंट क्या है प्लेस कैसे बनाता है ये तो हो गया डेस्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन ये तो था डिस्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन द एग्जिस्टेंशियलिस्ट पार्ट ऑफ इट एसेंस एंड एवरीथिंग ठीक है द न्यू फॉर्म्स द राइटिंग विच इन न्यू फॉर्म्स फॉर द नोवेल एंड ड्रामा वट आर दिज न्यू फॉर्म्स अब मैं बात करता हूँ इसके पे कि इसका uh, थिएटर या इसका नॉवल दिखता कैसे है ये बनाता कैसे है उसको उसकी टेक्निकैलिटी क्या है मोर फ्रॉम अ लिटरेरी आर्टिस्टिक परस्पेक्टिव आपने मिनिमलिज्म uh, का टर्म जरूर सुना होगा अगर एग्जिस्टेंशलिज्म का कम लोगों ने टर्म सुना होगा मिनिमलिज्म का मिनिमलिज्म भी तहरीक है आर्टिस्टिक तहरीक है जो पोस्ट वॉर अमेरिका में आई हुई है Uh, 1945 के बाद का जो अमेरिका है उसमें आर्किटेक्चर के अंदर एक तहरीक आई उसे मिनिमलिज्म बोला गया और मिनिमलिज्म क्या है ये तो यू you नो know, विजुअल आर्ट्स की बहुत सारी डेफिनेशन है कि एक ऐसी तहरीक के जो रिडक्शन पे बात करे जो चीज़ों को को से ऑर्नामेंटेशन हटाए जो चीजों को वाजे करे जिसमें फॉर्मल रिडक्शन हो सीमेंटिक रिडक्शन हो ब्ला 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 इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हम उन एग्जांपल्स को डिस्कस सॉरी उन डेफिनेशन को डिस्कस नहीं करते हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं ये मिनिमलिज्म के अंदर एक बड़ी बेसिक एग्जाम्पल है मैं थोड़ी सी आप लोगों की अटेंशन चाहूंगा ये नॉट नॉट दिस एग्जैक्टली बट दैट दैट इज अ वॉल राइट ये एक दीवार है इसको हम दीवार बोलते हैं कोई मुझे बताएगा ये किस चीज से बनी है ये दीवार कौन और और व्हाट एल्स इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है ब्रिक्स 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 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इस दीवार का या किसी भी दीवार का हम इसे पाइल ऑफ ब्रिक्स क्यों नहीं कहते या वाई डोंट वी कॉल इट बंच ऑफ ब्रिक्स और ग्रुप ऑफ ब्रिक्स और पाइल ऑफ ब्रिक्स और वट एवर वी वी सिंपली कॉल इट द वॉल और अ वॉल ठीक है हम इसको वॉल बोलते हैं हम ये इसको नहीं बोलते ब्रिक्स से कोई हम ब्रिक्स का जिक्र तक नहीं करते बट इंटरेस्टिंगली इफ आई टेक अ सिंगल ब्रेकआउट मैं एक इससे किसी तरीके से एक ईंट उठाकर इधर रख दूंगा तो हम उस उस उसको क्या बोलेंगे फिर वुड वी कॉल इट अ ब्रिक और पार्ट ऑफ वॉल अ ब्रिक वुड वुड कॉल इट अ ब्रिक ठीक है दिस समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग समथिंग व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट और प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट इट दैट थिंग गेट्स एन एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी अगर आप लार्जर uh, कॉन्टेक्स्ट से किसी चीज को अलहदा करो तो उसमें आर्टिस्टिक पोटेंशियल आ जाता है कि वो खुद को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने लग जाती है वो चीज़ आप किसी भी चीज़ को तनहा करो आइसोलेट करो अकेला करो मिनिमलिस्ट के के मुताबिक उस चीज़ में वो चीज़ आर्टिस्टिक बन जाती है वो आर्टिस्टिक क्यों बनती है वो आर्टिस्टिक इसलिए बनती है कि वो खुद खुद, खुद नुमा वो, वो अपनी नुमाइंदा खुद बन जाती है उसमें खुद नुमाई आ जाती है वो अपने बारे में बात कर सकती है विदाउट एनी एक्सटर्नल टूल्स और एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट और ये ब्रिक की मिसाल मिनिमलिज्म में सबसे ज़्यादा कोट की जाती है तो मिनिमलिस्ट क्या करते हैं वो अपने आर्ट को चाहे किस जिस भी टाइप का हो वो उसको इतना आइसोलेट करते हैं वो उसको इतना रिड्यूस करते हैं उससे ऑर्नामेंटेशन एक्सप्रेशन के टूल्स वो सारा कुछ इतना उसको उसको उससे हटाते हैं कि वो आर्ट अपने आप में विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट विदाउट एनी आ, टूल विदाउट एनी एक्सप्रेशन गेट्स एन एक्सक्लूसिव एक्सप्रेशन के जो सिर्फ और सिर्फ वो आर्ट ही कर सकती है इवन आर्टिस्ट उसको वो एक्सप्रेशन नहीं दे सकता कि जो जो एक्सप्रेशन वो पीस खुद अपने आप में हासिल करता है जब वो अपने कॉन्टेक्स्ट से फ़ॉर एग्जांपल एक एक अभी आ, मेरे पास वो मीडिया नहीं होना आ, मैं आपको दिखाता कुछ कुछ आर्किटेक्चर की पीसेस अगर आपने गौतक आर्किटेक्चर देखा हो या बरो आर्किटेक्चर देखा हो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन होती है अगर आप उस बिल्डिंग को देखें आ, उसमें आपको बिल्डिंग की अपनी शेप वाजे नहीं होती वो बड़ा आ, आपको वो ऑर्नामेंटेशन डेकोरेशन तो दिखती है बिल्डिंग की अपनी शेप वाजे नहीं होती ऑन अदर हैंड अगर आप कोई भी मिनिमल आर्किटेक्चर देखें जो पोस्ट ऑफ अमेरिका में आया आजकल हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत कॉमन हो गया है। उसमें आपको डेकोरेशन दिखे ना देखे ऑर्नमेंटेशन दिखे ना दिखे बिल्डिंग की शेप वाजे होगी क्योंकि मैनिमलिज्म काम करता है कि बेसिक ज्योमेट्री को वाजे कर दे आर्किटेक्चर के अंदर कि जो बेसिक ज्योमेट्री होगी किसी भी चीज़ की उसकी ज्योमेट्री को वाजे करे इन आर्किटेक्चर इन इन लिटरेचर यान ड्रामा वट वी वॉन्ट कि हम एक ऐसा ड्रामा बनाएं कि जो अपने आप में पूरा हो ना मुझे उसके एक्सप्लेन करने की जरूरत हो ना उसके साथ कोई कॉन्टेक्स्ट जुड़ा हो ना उसके साथ कोई मानी जुड़ा हो ना उसके साथ कोई मकसद जुड़ा हो बस वो पीस ऑफ आर्ट है एंड इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट एंड दैट्स इट वी डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट और एलेबरेट इट और डिस्क्राइब इट और वट एवर दैट पीस ऑफ आर्ट एग्जिस्ट एज इट इज़ एंड एंड दैट इज़ दैट इज मिनिमलिज्म फॉर फॉर यू नो एन आर्टिस्टिक पीस एक आर्टिस्टिक पीस के लिए है तो वो इसलिए मैंने उससे सारी चीज़ें हटा दी ताकि मैं उस आर्ट को छोड़ दूं कि वो खुद को एक्सप्रेस करे खुद को रिप्रेजेंट करे ना कि मैं रिप्रेजेंट करूं उसको ना कि बैकेट करे उसको रिप्रेजेंट इसीलिए शुरू में मैंने आपको बताया कि बैकेट एक ट्रेडमार्क टिपिकल एग्जिस्टेंशलिस्ट है बट हमेशा उसने इस बात की तर्दीद की है और उसने रद्द किया है इस बात को उसने कहा है कि नहीं आई एम नॉट एन एग्जिस्टेंशल आई एम नॉट एन एब्जर्डिस्ट आई एम नॉट इवन अ मिनिमलिस्ट आई जस्ट यू नो वॉन्ट टू क्रिएट Something which can survive on its own or which can represent itself on its own. Hence, जब हैं पूछा गया कि क्या गॉडो गॉड है तो उसने कहा नहीं अगर गॉड होता तो मैं गॉड लिख देता तो गॉडो कौन है तो उसने कहा गडो यही है तो उससे पूछा गया कि गडो के बारे में कुछ बता स उसने कहा जितना मुझे पता था वो प्ले के अंदर है इससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता कि गडो कौन है क्या नहीं सो यू नो दैट्स द होल थिंग और uh, इसके लिए उसका अगर आप अब काम देखते हैं ज़ुहैब भाई इफ़ आई कैन सी द पिक्चर्स प्लीज ऑल ऑल द पिक्चर्स ये ये उसके सेट uh, की तस्वीर है कुछ ये इसका खेल है एक्ट विदाउट वर्ड्स उसकी 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 उसका uh, वो है स्टेज uh, है uh, जुहैब भाई प्लीज ये uh, है वो विनी है हैप्पी डेज वाली ये उसका स्टेज है uh, जहैब भाई प्लीज़ ये एंड गेम का स्टेज है uh, जुहैब भाई एक और प्लीज़ ये वेटिंग फॉर गडो का है एक और ये वेटिंग फॉर गडो का स्टेज है इन सारे सेट डिजाइन को जब आप देखते हो यार ये मिनिमल प्रॉप्स के साथ बनाए गए हैं इसमें एक आ, कोई प्रॉप नहीं है कोई सेट डिजाइन उस तरह का नहीं है कोई कोई कॉस्ट्यूम एलेबोरेट नहीं है आप थिएटर के अंदर लाइट का बहुत ज्यादा काम होता है बैकेट लाइट यूज ही नहीं करता वो अपने थिएटर में किसी एक्सटर्नल टूल का इस्तेमाल नहीं करता लाइट uh, मोनोक्रोमेटिक होती है बस सिर्फ इतनी होती है कि स्टेज को रोशन कर सके दैट्स इट मतलब कोई लाइट से मकसद वो हासिल नहीं करता बाद में आने वाली uh, जो थिएटर की तहरीकें हैं उन्होंने तो लाइट ही के थ्रू खेला है थिएटर ऑफ क्रूअल्टी है वो खेलते ही लाइट के थ्रू है तेज़ uh, फ्लैशेस मारते हैं वो लाइट्स के ताकि ऑडियंस को वो डिस्टर्ब कर सके uh, ये तो लाइट का यूज़ ही नहीं करता इसमें आपने आप कैन यू इमेजिन अ प्ले और अ ड्रामा विदाउट अ बैकग्राउंड स्कोर आप फिल्में देखते हैं आप ड्रामा देखते हैं

आगे इन हिस्स करियर पर्टिकुलरली बुढ़ापे में जब उसने नोबेल भी अचीव कर लिया सारा कुछ कर लिया उसके जितने खेल हैं वो एब्सोलूट मिनिमलिज्म पर बेस्ड हैं वो इतने मिनिमल हैं कि उनका कोई फॉर्म ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल इसका खेल है नॉट आए uh, उसका मैं वो आपको दिखाना भूल गया स्टेज uh, उस पूरे खेल में uh, सिर्फ एक माउथ है एक, एक मुंह है जो स्टेज से बोले जा रहा है ट नो कैरेक्टर नो प्रस नो नथिंग नो सेट डिजाइन बस एक मूव बातें किए जा रहा है एक्ट विदाउट वर्ड्स में डायलॉग ही नहीं है uh, 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 breathe इसका एक ब्रेथ सॉरी ब्रेथ करके इसका एक खेल है जिसमें जिस ना डायलॉग uh, है ना कैरेक्टर्स है मतलब यू नो देक्टर्स भी नहीं है डायलॉग्स भी नहीं है uh, कुछ भी नहीं है वो जस्ट अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं कि वो रादर और साउंड उसमें साउंड है उसमें साउंड साउंड और लाइट है फिर क्योंकि कुछ तो चाहिए ना मतलब कैरेक्टर भी ना हो डायलॉग भी ना हो तो फिर प्ले तो कुछ तो कराना है तो उसमें फिर साउंड और लाइट है लेकिन मतलब वो नहीं है तो वो एब्सोल्यूट मिनिमलिज्म की तरफ गया और आ, इसकी वजह वो बताता है कि मैं जब अपने काम से हर किस्म का फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म एफ ओ आर एम हर किस्म का फॉर्म छीन लूंगा जब मैं उसको यू you नो know, उस, उसको कोई फॉर्म नहीं दूंगा तो वो फॉर्म लेस बन जाएगा और जब वो फॉर्म लेस बन जाएगा विदाउट एनी फॉर्म बन जाएगा तो इट कुड बी रीफॉर्म्ड, उसको रिफॉर्म किया जा सकता है वो एक्सप्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आ जाता है मिनिमल पीस ऑफ आर्ट में जब कोई भी पीस ऑफ आर्ट मिनिमल होगा तो उसके अंदर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होगा और वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन उस फॉर्मलेसनेस की वजह से आता फॉर्मलेस इट कैन बी रीफॉर्म्ड इट कैन इट कैन गेन दैट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन वट्स वे इट वॉन्ट्स टू एंड एंड अच्छा वो फिर सिर्फ के टेक्निक्स के साथ नहीं खेलता वो जबान के साथ भी खेलता है आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ बैकेट का जितना काम है वो सब का सब आप में से जो लोग ट्रांसलेशन से वाकिफ़ होंगे तो आपको पता होगा कि ट्रांसलेशन में मानी लूज़ होता है मीनिंग कॉम्प्रोमाइज होता है अगर मैं किसी चीज़ को ट्रांसलेट करूँ तो औरजिनल जबान के का जो मानी होता है वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत लूज कर जाते हैं ट्रांसलेशन के अंदर बैकेट का जितना काम है वो सब का सब ट्रांसलेटेड काम है सेल्फ ट्रांसलेटेड बैकट ने वेटिंग फॉर गडो अंग्रेजी में नहीं लिखा फ्रेंच में लिखा हुआ है और फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया हुआ है एंड गेम फ्रेंच में लिखे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया हैप्पी डेज फ्रेंच में लिखे अंग्रेजी में क्रैप्स लास्टेप अंग्रेजी में लिखे फ्रेंच में ट्रांसलेट किया वॉट अंग्रेजी में लिखी है फ्रेंच में ट्रांसलेट किया है मर्फी अंग्रेजी में लिखी है फ्रेंच में ट्रांसलेट किया मोलाए फ्रेंच में लिखी है अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है सारे का सारा काम अंग्रेजी से फ्रेंच फ्रेंच से अंग्रेजी क्यों उसका एक खत है अपने दोस्त के नाम उसमें वो कहता है कि यार मुझे मैं थिएट्रिकल एलिमेंट्स को तो हटा सकता हूँ लाइट नहीं यूज करूंगा स्टेज बिल्कुल मिनिमम रखूंगा कोई प्रॉप नहीं इस्तेमाल करूंगा कुछ भी नहीं करूंगा मैं ठीक है वो मैं कर लूंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम एक चीज जिससे मैं छुटकारा नहीं हासिल कर सकता हूँ वो है जबान लैंग्वेज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज वुड कैरी अ मीनिंग और फिर ये भी नहीं कर सकता वो कि मतलब ब्रीथ या एक्ट विदाउट वर्ड्स जैसे ड्रामे तो उसने बना लिए उसने एक्ट विदाउट आउट वर्ड से कैसा ड्रामा बनाया है जिसमें डायलॉग नहीं है ब्रीथ बनाया जिसमें डायलॉग नहीं है बट यकीन एन थ्रू आउट नहीं कर सकता तो मीनिंग से कैसे लैंग्वेज वाले मीनिंग से कैसे छुटकारा हासिल करे वो दो तरीके करता है उसके लिए द ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन क्यों करता है फ्रेंच में इसलिए लिखता है फ्रेंच उसकी मादरी जबान नहीं है तो वो जब एक ड्रामा ओरिजिनली ऐसी जबान में लिखेगा जिसमें जो उसकी मादरी जबान नहीं है तो ऑलरेडी उसका मीनिंग वन वे और अनदर कॉम्प्रोमाइजड होगा क्योंकि उसकी एक्सप्रेशन उसका इतना स्ट्रांग नहीं होगा उसमें और फिर जब वो अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करेगा तो वो फर्दर वो फिल्टर हो जाएगा मीनिंग वो वो अपने दोस्त को कहता है यार ये ट्रांसलेशन मैं इसलिए करता हूँ कि मैं जबान का पर्दा चाक कर सकूँ uh, जो जो उसका वो टर्म यूज़ करता है कि मैं जबान का जो पर्दा है जो मीनिंग रखती है जबान उसको चाक कर सकूँ उसको उसको मैं ख़त्म कर सकूँ साथ ही साथ आपको अगर रेपिटेशन थीरी का पता हो तो रेपिटेशन एक्सेसिव रेपिटेशन से भी मीनिंग लूज होता है कोई भी काम आप बार बार करेंटर्नल रिकरेंस ऑफ द सेम मैंने बताया कोई भी काम दोबारा करें बार बार करें वो अपना मीनिंग अपना मानी अपना मकसद खोएगा बैकेट का काम आप देखें उसमें आ, वर्बल रेपिटेशन है

लाइट uh, नहीं है साउंड नहीं है प्रॉप्स uh, नहीं हैं कैरेक्टर्स uh, दो हैं सिर्फ स्टेज बैरन स्टेज है बेयर स्टेज है uh, दूसरी तरफ एक टर्म हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सीमेंटिक रिडक्शन सीमेंटिक रिडक्शन सीमेंटिक मीनिंग समेंटिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर द साइंस ऑफ मीनिंग को बोलते हैं कि अल्फाज से मानी कैसे बनते हैं सीमेंटिक्स तो सीमेंटिक रिडक्शन भी बैकेट करता है फॉर्मल रिडक्शन भी करता है सेमेंटिक रिडक्शन भी करता है फॉर्मल रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ द मिनिमलिज्म इन द थिएट्रिकल एलिमेंट्स सच एज लाइट साउंड प्रॉप्स एंड सेमेंटिक रिडक्शन इन 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 द फॉर्म ऑफ रेपिटेशन एंड ट्रांसलेशंस। सो द वर्क ऑफ बैकेट इज मार्क्ड बाय यू नो एक्सेसिव मिनिमलिज्म, एक्सेसिव मिनिमलिज्म, मैंने बताया ना कि इवेंचुअली एंड पे जाके उसका काम बिल्कुल ही डिफॉर्म होकर रह गया और उससे उसने वो शोहरत भी नहीं कमाई उसकी शोहरत शुरू के खेलों से है क्रैप्स लास्ट लास्टेप आखिरी खेल है उसका बल्कि हैप्पी डेज 1961 1961 के बाद से उसने जो खेल लिखा उसने वो शोहरत नहीं कमाई इनफैक्ट कोई जानता भी नहीं है क्रैप्स लास्ट लास्टेप तक कोई कोई नहीं जानता हैप्पी डेज तक कोई कोई नहीं जानता लेकिन स्टिल ये चार पांच खेल बड़े हैं शुरू के नॉवल्स भी उसके बाद ही वेंट डिन टू एब्सोलूट मेनिमलिज्म जिधर वो एक्सपेरिमेंट करने लगा और वो उसको वो शोहरत नहीं मिली नोबेल के बाद से लेकिन नोबेल के पहले उसकी शोहरत ज़्यादा है नावल के साथ भी वो यही करता है ट्रांसलेशन एक्सेसिव रेपिटेशन ट्रांसलेशन एक्सेसिव रेपेशन आप मोलाए पढ़ें मोलाए इज दिस थिक नावल या वर्ड देख लें पढ़ा हुआ हुए uh, जब वो एक ही बात बार 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 रिपीट होगी बार बार रिपीट होगी सो वो बात अपना मीनिंग खो देगी तो नावल में भी ये करता है ड्रामा में भी ये करता है तो दो चीज़ें आज मैंने बताई आपको एक मैंने आपको बताया uh, कि बैकेट के काम में एग्जिस्टेंशलिजम है कॉन्टेंट उसका एग्जिटेंशियलिस्ट है डेस्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इफ यू रिमेंबर आई स्टार्टेड विद द डेस्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन एंड देन स्टाइलिस्टिकली या ट्रीटमेंट जो उसका है वो मिनिमल है जिससे न्यू फॉर्म क्रिएट होता है उसी साइटेशन का सो न्यू फॉर्म्स हैं बैकेट के काम में और एग्जिस्टेंशलिज uh, uh, है uh, ये सारी चीज़ें जब बन जाती है ना तो Uh, एक इल्ज़ाम भी बैकेट पे लगता है कि uh, बहुत सारे लोग ये लगाते हैं इनफैक्ट हमारा यू you नो know, आपको पता है जिस मुल्क में हम रहते हैं जो हमारे मुल्क के हालात हैं uh, बहुत सारे आप यकीन नहीं करेंगे बहुत सारे uh, इंस्टीट्यूट्स में बैकेट को डिस्करेज किया जाता है पढ़ाना ये बात uh, डिस्करेज की जाती है कि आप बेकेट को पढ़ाएं क्यों क्योंकि एक बात बोली जाती है कि ये नाउमीदी की बात करता है बैकेट के मानी नहीं है और मीनिंग नहीं है और एसेंस नहीं है दिस एंड डेट इंटरेस्टिंगली केस बहुत मुख्तलिफ है कंप्लीटली ऑपोजिट है केस मेरे नजदीक बैकेट के किरदार या बैकेट का, का काम बहुत शदीद होपफुल है उम्मीद उसमें बहुत ज्यादा है कैसे आप काफ्का का नाम मैंने लिया फ्रांस काफका का आप लोगों ने सुना भी होगा फ्रांस काफका फ्रांस का, काफका भी एग्जिस्टेंशलिस्ट है यही एब्जर्डिस्ट एग्जिस्टेंशलिस्ट है उसका उसके किरदार जो होते हैं ना उसके किरदार जब अपने सफ़र का आगाज करते हैं तो वो कभी उससे रिकवर नहीं कर पाते और इवेंचुअली उसके किरदार सकम कर जाते हैं ताब नहीं लाते उस उस मुश्किल का जिस मुश्किल से वो गुजर रहे होते हैं और वो वो मर जाते हैं या वो एग्जिस्टेंस से निकल जाते हैं वो अपने अपने होप अपने अपने मकसद पर या जो चीज़ वो चाहते हैं उस पर गिवप कर देते हैं बैकेट का एक किरदार आप से अगर बैकेट पढ़ा हुआ है किसी ने या कोई रेफरेंस है तो मुझे प्लीज बता दें कोई एक ऐसा किरदार जो आ, अपना जो चीज वो प्ले की शुरू में चाहता उस पर प्ले के एंड तक गिव अप कर चुका हो कोई एक किरदार भी गिव अप नहीं करता दो इनको एस्ट्रागोन और वेलाडेमियर को पता है कि के, के गोडो नहीं आएगा दे आर सर्टन के गोडो नहीं आएगा लेकिन वो उसका वेट करना नहीं छोड़ते दे कीप ऑन वेटिंग फॉर दे डू नॉट गिव अप ऑन वट दे वॉन्ट एंड दैट इज द होप इन बैकिट हैम उसका किरदार है एंड गेम का वो एक बात करता है वो कहता है कि देर इज नो मिजरी लॉफ्टियर देन माइन वो कहता है मुझसे बड़ा गम बड़ा दुख पूरी दुनिया में किसी का नहीं है लेकिन नहीं रोक सकता हूँ अपनी मैं सीज टू एग्जिस्ट नहीं कर सकता हूं मैं एग्जिस्ट होता रहूंगा हैप्पी uh, डेज uh, वाली uh, विनी जो है वो uh, उसको पता है कि वो रेत के अंदर जा रही है व्हाटएवर बट वो अपने हैप्पी डेज या ओ व्हाट अ हैप्पी डे इट इज वाले उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही वो एग्जिस्ट कर रही है शी इज हैप्पी इन व्हाट्सएवर कंडीशन शी इज क्रैप जहाँ भी अपने काम को अपने उससे वो 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 गुस्से में है कि वो क्यों ऐसे करता है रिकॉर्ड करता है सुनता है गालियाँ देता है उसके बावजूद प्ले के एंड पे वो रिकॉर्ड ही कर रहा है वेटिंग फॉर गलॉय चाहता है कि अपनी माँ के घर जाए पहुँचता नहीं है नावल के आखिर तक लेकिन एंड पे वो ये नहीं कहता कि ओके मैं नहीं जा रहा हूँ वो एंड पे भी यही कहता है कि मैं जा रहा हूँ तो कोई भी किरदार कोई एक किरदार भी बैकेट का आप मुझे ऐसे नहीं बता सकते कि जो सकम कर जाए अपनी मिजरी के हाथों जो ताब नाल ला सके अपनी मिजरी की हर एक किरदार जो शुरू में चाहता है वो आखिर में भी चाहता है उसको पे गिव अप नहीं करता है दैट इज द होप इन बैकेट जैसे मैंने बताया तमाम तर मुश्किल का शिकार होते हैं ये सारे किरदार एंड गेम के किरदार आपने एंड गेम का नाम लिया एंड गेम के किरदार इतने मिजरेबल कंडीशन में है, हैम हैम जो है जिसका मैंने डायलॉग बताया जो गलत मैंने बता दिया आपको वो डायलॉग जो है उसमें हैम देख उसकी, उसकी उसकी आंखों से खून आता है वो चल नहीं सकता व्हील चेयर में है। आ, उसके जो माँ बाप हैं आप, आप दो फ्रेम पीछे जाएंगे जो भाई इससे आ, मुझे, मैंने वो देखना है उसका वो हैम का वो वो देखना है दूसरा दूसरा आगे 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 दूसरी ये ये ये, ये दिस वन ये हैम है म दैट्स क्लोव क्लोव सही चल नहीं सकता ये वो बंकर है इनका हैम व्हील चेयर है जैसे नोटाउच व्हील चेयर में रहता है और वो जो डस्टबिन देख रहे हैं ना दो एश वो वो बड़े से कंटेनर जो है वो दरअसल इसके बाप हैं हैंम के और वो उसमें ही रहते हैं रहते नहीं है बल्कि वो माँ बाप हैं वो इसके वो बस उनकी बॉडी है बॉडी उनकी आप जब प्ले देखते हैं तो हैम उनका नाम है नाग और, और, और आधे डस्टबिन हैं आधे ह्यूमन हैं वो उसी के अंदर रहते हैं और उसके अंदर दे आर क्वाइट है वो वो एक दूसरे से रोमांस भी कर रहे होते हैं जोक्स भी कर रहे होते हैं खाना भी खा रहे होते हैं दियार, दियार, quite, quite, quite वो है बैकेट के किरदारों करदा, में आ, का, का ब्लैडर खराब है एस्ट्रागोन के पाव खराब है विलीतो का जिसम ही नहीं है वो तो आधी तो रेत के अंदर धसी हुई है क्रैप शदीद बूढ़ा है नॉट आई में सिर्फ मुंह है Uh, मोलाय भी सही चल नहीं सकता सब कर, वेटिंग फॉर गडो का एक और किरदार है वो अंधा है, लकी बात नहीं करता इसके बावजूद इस जेनरेशन के बावजूद दे डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट इज वट वट आई एम ट्राइंग टू से वो अपने काफका के किरदार को एक मुश्किल होती है मर जाता है इधर इनको इतनी हज़ार मुश्किलें दरपेश है उसके बावजूद दे डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट दे दे कीप ऑन एग्जिस्टिंग दे डू नॉट गिव अप ऑन वट दे वॉन्ट टू एंड दैट इज द होप इन बैकेट विद दैट जस्ट जस्ट अ क्विक दोबारा से वो न्यू फॉर्म्स मिनिमलिज्म ऑफ मॉडर्न मैन एग्जिस्टेंशलिज्म एंड दे बोथ क्रिएट समथिंग विच लुक्स एबजर्ड बट इज़ होपफुल एंड वेरी होपफुल एंड दैट्स बैकेट फॉर यू थैंक यू सो मच मुझे खुशी इस बात की है कि अगर इस स्टॉक के बाद आप में से कोई भी शख्स जाकर YouTube पे खेल पड़े हुए हैं उसके लाइफ तो पाकिस्तान में रहते हैं हमने कई बैकेट देख लेना है लेकिन थिएटर का वैसे एसेंस एस तो है कि हम उसको लाइव जाकर देखें लेकिन आ, आप यूट्यूब पे बैकेट के खेल पढ़े हुए बहुत सारे आप देखें नावल कोई पढ़े आपको मुश्किल से मिलेगा काम इसलिए मैं लाइब्रेरी से उठा के लाएं मैंने आई जॉइन माई यूनिवर्सिटी मैंने इन बुक्स का ऑर्डर दिया कि मुझे कंप्लीट वर्क्स ऑफ बैकेट्स चाहिए तो आज मैं पहले गया लाइब्रेरी उधर से बुक्स उठा के लाए आपको अगर टैक्स मिलता है तो टैक्स पढ़िए तो आई बिलीव इस स्टॉक का मकसद पूरा होगा कि हम ब्लैक होल की तवसत से ये 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 रिवाइव शुरू करना चाहते हैं कि हम आ, आप में से जो बैकेट को नहीं जानता था आप ब्लैक होल की वजह से ब्लैकेट को जानता है वो तो यही 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 मकसद था जनाब जना हाँ जी हमारे साहब बहुत आ, आला टाग थी और जबरदस्त थी और आपने काफ़ी मतलब का सारे कॉन्सेप्ट कोई चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़ी उस हवाले से तो काफ़ी अप्रीशियबल है अच्छा मेरे दो क्वेश्चन थोड़े से क्लियर जस्ट एक चूंकि करते हैं एक तो ये कि जो बेकेट का काम था वो बाद में प्रिवेल क्यों नहीं किया मतलब कि वो उस तरह चूँकि अभी भी जो पॉपुलर है उसका है तो बैकेट को, को कोई फिर फॉलोअर मिले हैं और आपने फिर लाइन लगा दी फिफ्टी तक और फोर्टी फाइव के जो एक एग्जिस्टेंशल के बाद तो उसमें क्या फिर जो नए पोस्ट मॉडर्निज़्म का दौर आ गया तो क्या वो बैकेट की जो फ़िलासफ़ी है चूंकि बैकग्राउंड में वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू है वो बड़े यू यूनिक एक्सपीरियंस है जो कि हमारे इस एरिया में शायद उस लेवल की सोच नहीं, नहीं है।, है उस तरह की सोच भी नहीं प्रिवेल कर सकती और ना ही एग्जिस्ट कर सकती है तो वो फिर बाद में क्या वो चेंज आ गया है? एक तो ये है दूसरा ये कि जो बेकट के मैं काम को देख रहा हूँ तो वो मतलब जितना आपने एक्सप्लेन कर दिया और उसको मैं एज्यूम करूँ क्योंकि आपका काफ़ी इस पर है नज़र भी है और काफ़ी थिंकिंग भी है कि ये एक जितनी भी रिलीजस थाट्स के हैं कि जितनी भी मिजरी उसमें है तो उसने जो भी चीज़ फिक्स की हुई है जो भी चीज़ फिक्स की हुई है चाहे वो आफ्टर डेथ है या फिर बिफोर डेथ है या वट एवर कि कोई कोई चीज़ ने आना है जो तो वो उसके साथ अटैच रहते हैं जितनी मिज़री रहती है उसमें वो अटैच रहते हैं तो ये थोड़ा सा एक जो ऑलरेडी एक रिलीजन के साथ जो एक थिंकिंग अवेलेबल है तो वो क्या इसके साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहा थोड़ा तो तो सा ये इसको Uh, जब तक आपने बात की कि उसके शुक्रिया थैंक uh, यू आपके सवाल मुझे पसंद आए जो जो uh, पहली बात है कि उसका काम प्रिवेल नहीं किया कियागे उसमें uh, मुझे मुझे लगता है कि ये सिर्फ बैकेट का मसला नहीं है ये तमाम मॉडर्निस्ट का मसला है मॉडर्निस्ट uh, को हम जानते तो हैं हम हम हमने उनके नाम सुने हुए हैं वो भी लिटरी uh, सर्कल से बाहर कम ही लोग उनका काम है ही एक्सक्लूसिव इन सब का काम दे टेक अलॉट ऑफ प्राइड इन देयर इन देयर वर्क इन देयर इंटेलेक्ट रादर वो अपने अपने मुझे लगता है कि इनके बारे में एक, एक टर्म यूज़ किया जाता था लिटरेरी फेम बोलते थे एलियट और एजरा पाउंड के काम को एलियट के एसेज हैं और ये उनका शागि है बैकेट, मैं जस्ट रेफरेंस वेफरेंस दोनों का नाम एलियट कहता है कि हमारे दौर के शौरा को उसकी एक, एक वो है ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट के नाम से एक ऐसे है जिसमें वो कहता है कि हमारे दौर के शौरा को कॉम्प्लेक्स होना चाहिए क्योंकि शौरा जो हैं वो आम आदमी से एक ऊंची जगह पर एग्जिस्ट करते हैं जो भी एक इंटेलेक्चुअली दे दे आर सुपीरियर तो मुझे लगता है कि हैड इंटलेक्चुअल प्राइड विद हम कुछ ऐसा करें कि जो आम आदमी को समझ ही ना आए वट आई थिंक मैंने मॉडर्निज्म को जितना पढ़ा हुआ है जितने लोगों को तो उसको जब उसने बैकेट नहीं ये काम लिखा तो इसको पजीराई मिली मुझे ये ये थोड़ा सा पता नहीं मुझे लगता है क्या मुझे लगता है उसको यह पजीराई भी नहीं सूट की और वो चाहता था कि नहीं यार ये भी मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा तो हैंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका एक्सपेरिमेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया कि नॉट आए और फिर ब्रेथ और फिर वो सारे के एक्ट विदाउट वर्ड्स के उसने वो जो खेल ये ये किताब अगर मैं खोल के आपको दिखाऊँ ना इसमें अगर कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर लुक एट दीज स्ट्रक्चर ये इसके स्ट्रक्चर हैं थिएटर के हवाले से दैट्स हाउ एक्सपेरिमेंटल ही वॉज विथ हिज वर्क अगर मैं कुछ और इस तरह आपको तो ये काम में एक्सपेरीमेंट इतना ज़्यादा है इतना शदीद एक्सपेरिमेंट है काम का कि मुझे लगता है कि वो आम आदमी की समझ में ही नहीं आता वेटिंग फॉर गडोर एंड गेम को शायद चूंकि नए नई चीज़ें थी अपने टाइम में और आ, लोगों को लगा कि यू नो ये इंटरप्रेट बड़ी आसानी से की जा सकती है या बहुत सारे तरीक़ों से की जा सकती है कि गॉड है भी और इंसान है या गॉडो कोई मकसद है क्या है तो वो तो भाग है उनको लेकिन तीन के बाद उन्होंने कहा कि ओके बस दैट्स इट मतलब यू नो अब हम हमारा इंटेलेक्ट इतना ही था कि हम इसको तो आगे काम में एक्सपेरिमेंटेशन शदीद है एक इंटेलेक्चुअल के या इवन एक एक हम ख्याल आदमी के अलावा उसको कोई इंजॉय भी नहीं कर पाएगा अदर मतलब मैं आई नॉट लाइक टू रीड द यू नो द लेट थिएटर ऑफ बैकेट आई एम अ फैन ऑफ अर्ली अर्ली बैग एट लेट इज क्वाइट एक्सपेरिमेंटल फॉर मी एज वेल तो उस वजह से मुझे लगता है कि वो इंटरेस्ट ऑडियंस का नहीं ग्रैप कर पाता जो लेटर थिएटर है उसका अर्ली थिएटर तो बहुत अच्छा है और ये मैं आपको क्या ना नोबेल के बाद मतलब उसका पहला खेल वेटिंग फॉर गडो आता है जब वो है 51 में बैकेट ऑलमोस्ट कितने साल का है उन्नीस उसकी पैदाइश है तो 51 में लाइक 45 45 है तो मतलब 45 साल में तो वो अपना पहला खेल लिख रहा है तो आखिरी वाले में और ही डाइड अराउंड मेरे ख्याल से 89 समथिंग का हाँ नहीं ही डाइड इन 89 तो 1906 सौ पैदाइश है तो 83 साल का राइट या 83 का मरा वो तो मुझे लगता है जो आखिरी हुआ ना वो सब सेवेंटी प्लस में उसने लिखा है सारा थिएटर तो वो आपको पता है कि उस उम्र में जब इंसान पहुंच जाता है तो एक अलग ख्याल होते हैं जज्बात होते हैं तो उस वजह से वो समझ नहीं आता है अगर समझ आई भी तो आप उसको इन्जॉय नहीं कर सकते हो तो हैंस उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है और जो दूसरी बात है कि आपने कहा कि वो चीज़ से जुड़े रहते हैं तो क्या वो रिलीजियस थाट बेकट डज़ नॉट केयर के लोग क्या मतलब लेते हैं उससे लोगों ने अगर रिलीजियस लेना है तो ले लें रिलीजियस बन जाए लोगों ने अगर उससे आ, कोई नौमीदी लेनी है तो नौ ले लें ये ये होप होपन बेकेट वाली बात तो मैंने की ये बैकेट तो नहीं कर रहा ये बात बैकेट की नहीं मेरी है कि उसके काम में होप है ये मेरी इंटरप्रिटेशन है उसके काम की कि उसके काम में होप है उसकी अपने काम के बारे में एक ही राय है और वो ये कि ये जो है वो है दैट्स इट इससे ना कुछ ज्यादा मुझे पता है इसके बारे में ना इससे कुछ कम पता है किसी ने इससे रिलीजियस मतलब लेने ले ले किसी को इससे रिलीजियस मोटिवेशन मिलती है मिल जाए किसी को इससे डीमोटिवेशन मिलती है मिल जाए कोई समझता है कि ये एग्जिस्टेंशल है समझ ले कोई एब्जर्ट कह दे तो कह दे कोई कह दे कि ये आर्ट ही नहीं है तो ठीक है किसी ने मुझे नोबेल दे दिया तो अच्छा ठीक है ओके okay. तो मतलब यू you नो know, वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन के मानी क्या बनेगा इसका एंड पे तो वो मेरे ख्याल से आम आदमी पे है या वो व्यूअर पे है या रीडर पे है कि वो पढ़ कर देख कर उससे रिलीजियस या मतलब लेता है या वो नहीं लेता या वो उससे जुड़ा रहता है या नहीं जुड़ता तो बैकेट का उससे कोई माजत के साथ वो ये था कि जो रिलीजियस था कर रहे हैं ठीक है ना उसमें भी यही है

आप देखे। देखे। ही कम है। ही सुनने में आई यहाँ तो अच्छा ये जो मॉडर्निज्म भी क्योंकि बगैर मॉडर्निज्म पे बात की है थिएटर ऑफ एबजर्ड को नहीं समझा जा, जा, जा सकता और ये शायद पीक भी है उस पचास साल की बिल्कुल पीक है तो बात ये है सवाल भी इसमें शामिल है कि जो रिनाय के दौर से जो इंसान को सेंटर में बिठाया गया कि फैसले इंसान करेगा ह्यूमनिज़म हम उर्दू में तर्जमा गलत करते हैं उसका इंसान दोस्ती इंसान दोस्ती नहीं है इंसान मरकजीत हसन अस्क्री ने तर्जा किया तो जो इंसान मरकजियत है कि अब खुदा की जगह या मेटाफिज़िक्स की जगह इंसान है सेंटर में ये रेना का आगे चलिए फिर आगे सारा कुछ होते हैं तो ये ये मॉडर्निज्म है जाहिर है तो जो लिटरेरी मॉडर्निज़म है जिसके आप बात कर रहे हैं पचास साल तकरीबन तो ये उसके खिलाफ रद्दमल है कि भाई उस साइंस ने उस इंसान मर्स ने तो जंगे दी हैं हमें अफलास दिया है तन्हाई पैदा की था है इंडस्ट्री इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बाद का ठीक है अच्छा जो छोटी बड़ी जितनी भी तहरीकें रही वहाँ जिनके आपने नाम लिए सारे क्रिकेट गार्ड वगैरह उनके सब की जो इंतहा है एक लिहाज से द वेस्ट लैंड और यूलिस हो गया ठीक है जी उसमें और इसके अंदर आ जाता है थिएटर ऑफ एपिस कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो चीख है एक लिहाज से ये उस पचास साल की या उस सारे चार पाँच सौ साल का जो मगरब में आ, जो दौर गुजरा है रैशन, रैशनलिज़म का और उसका उसके खिलाफ ही चीख़ है बहुत बुलंद और शायद ये आखिरी चीख है यानी जो अमल शुरू हुआ था पाउंड वग़ैरह से लिटरेचर में आर्ट में वो एक अल्टीमेटली ये चीख जो है ये थिएटर ऑफ एबजर्ड में सुनाई देती है तो इसके बाद ये नहीं है इसकी क्या वजूहत है आप वाला सवाल मेरे जहन में भी है और बहुत बीस साल हो गए इस सवाल को मुझे कि बंदा नहीं मिल रहा से सवाल करूं <laughs> यानी कि ये क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं कि कैपिटलिज्म ने वो मसले हल कर दिए और इंसान को कर दिया इसकी शायद मैं आपसे बाद में भी गुफ्तगू करूँ यह लंबी हो जाएगी बात तो बसी नहीं यकीन ये तो बड़ा बड़ा मतलब एक ऐसा इल्मी पॉइंट है कि ये ये सवाल की बजाय आई बिलीव आपकी अपनी राय है इस इस, इस इस उसके बारे में तो मुझे मैं इसको आ, ये तो नहीं कहूँगा कि उस जो जो यूरोपियन आपने जो बात की कि जो मैं मैं उसको खैर इनलाइटमेंट से गिनता हूँ ये जो रैशनैलिटी है रेनेसो मुझे फिर भी थोड़ा सा लगता है कि वो सेम ही है ऑलमोस्ट मतलब नॉट अ फैन ऑफ रेने सॉ मैं आगे वो इनलाइटमेंट के बाद से मुझे उनका काम अच्छा लगता है लेकिन आगाज़ है यकीन है, वो तो मेरी मुझे नहीं अच्छा लगता है ना सच सच तो अलग है कुछ और है हकीकत तो अलग है तो उससे मुझे मुझे आ, ये आइडिया है कि जो मॉडर्निज्म है वो अपने आइडियल्स लेता है रोमांटिक romantic से रोमांटिसिज्म से लेता है और अगर आप रोमांटिसिज्म को देखो तो वो इट्स मोर अबाउट सब्जेक्टिविटी इट्स ऑल अबाउट सब्जेक्टिविटी रादर तो जहाँ इन्होंने इंसान को मरकजी हैसियत दी रेनेसों वालों ने और उस पर बात हुई वहीं इन लोगों ने आकर मॉडर्निस्ट uh, ने एक चीज़ जो बदली वो ये कि अगर आप रेनेसों से ले के मॉडर्निजम तक का जितना कॉन्टेंट देखते हैं उसमें जहाँ इंसान तो सेंटर है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एक्सटर्नल है उनका सब के सब का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक्सटर्नल है वो आ, आ, या तो वो आ, जंग जंगे लड़ रहे हैं या माशरे के किसी किसी उसका शिकार हैं या फैमिली मसाइल हैं मॉडर्निस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर इंटरनलाइज्ड है तो वो चीज़ इन्होंने एक बदली के इंटरनल सब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आए कि वो जो पोस्ट मॉडर्निज्म में बाद में जाके तब्दील हुई इनफरादियत uh, की तरफ बढ़े तो मैं ये तो इस पर तो कॉमेंट नहीं कर सकूंगा कि क्या ये उसकी आखिरी चीख है या क्या ये उसका जो है क्लाइमेक्स है वट स्टार्टेड कि उसके बाद आप जैसे आपने कहा कि ये डाई आउट कर गया मेरे नज़दीक मैं इसको एक मैं हिस्ट्री का तालब इन उस तरीके से हूं नहीं मैं आर्ट कहूँ मेरे नज़दीक के आर्ट आ, 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 आर्टिस्टिक वैल्यूज़ की एक्सपेरिमेंटेशन है दैट्स एट मतलब फॉर मी बींग बी बींग स्टूडेंट ऑफ आर्ट मुझे लगता है कि वट बेकेट वॉन्टेड वॉज जस्ट टू एक्सपेरिमेंट विद आर्ट आई बिलीव विदाउट गेट giving it any historical or even social significance is what i think like for me the only significance of beckett's work is artistic merely is artistic thoda both okay philosophical as well but not हिस्टोरिकल नॉट सोशल सोशल इकनॉमिकल हिस्टोरिकल मैं उस पर कॉमेंट ही नहीं कर सकता हूँ मुझे मुझे उसका म, मेरे नज़दीक उसकी सिग्नीफिकेंस एज़ आर्टिस्टिक तो इट कुड भी या आई बिलीव हो सकता है कि क्लाइमैक्स uh, हो डैट उस रैशनैलिटी का क्योंकि देखें यूरोप की पॉलिटिक्स uh, का तो क्लाइमैक्स है उन्नीस सौ पैंतालीस वो तो हम सबको पता है कि उसके बाद उससे पहले ही जो उनकी पॉलिटिक्स है पैंतालीस से पहले और आज जो वो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं और वो जो वो जो पीसफुल वेस्ट का हमारा वो है आप उसको जस्ट पैंतालीस से पहले सोचें तो वो चालीस साल में उन्होंने नस्त नाबूद किए एक दूसरे को तो जैसे पैंतालीस उनके पॉलिटिक्स का क्लाइमैक्स है सिमिलरली कुड भी कि उनके रैशनैलिटी का उनके आ, उनकी जो हिस्ट्री थी जिसका आपने ज़िक्र किया जो आ, जो जो सेंटर है आदमी उसका क्लाइमैक्स हो सकता है थिएटर ऑफ दब्जर्ड बट मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता हूँ कोई चूँकि ये द ब्लैक होल के फेसबुक पेज पर लाइव भी ये आपका पूरी पूरा लेक्चर जो है वो नशर हुआ है तो हमारे साथ ऑनलाइन ऑडियंस भी हैं यासर चमन वो पूछ रहे हैं किसटम और एग्जिस्टेंशलिज्म इसके बारे में थोड़ा सा दिफ, इनको डिफ्रेंश कर दें और हाओ एग्जिस्टेंशलिस्ट थाट्स एंड थेटर ऑफ एब्सर्ट कैन बी अंडरस्टूड इन दी लार्जर कंटेक्सट ये नुमाइंदगी हो रही है हमारे ऑनलाइन ऑडियंस की जी शुक्रिया एग्जस्टेंशलिज्म uh, फिलोसफी uh, है एब्जर्डिटी या एब्जर्डिजम एज सच कोई फ़िलोसॉफिकल थॉट के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता मैंने उसकी एक मिसाल दी थी टॉक के दौरान कि एग्जिटेंशलिज़म कहता है कि आप एसेंस को एसेंस एग्जिस्ट तो करता है सार्टर कहता है कि एग्जिस्ट तो करता है बट उसको अचीव नहीं कर सकते हो Uh, क्यों नहीं अचीव कर सकते हो कि यू कॉन्ट डिनाई या यू कॉन्ट सॉरी रेजिस्ट द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट नहीं कर सकते हो तो चूंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट नहीं कर सकते हो और स्टिल आप एसेंस को हासिल करना चाहते हो इसीलिए आपका सफर एब्जर्ड बन जाता है नॉन बन जाता है उसके कोई मान ही नहीं रहते तो एग्जिस्टेंशलिज्म एक लार्जर फिलासफी है और एब्जर्डिटी उसका नतीजा है के एक्सप्रेशन है नतीजा है थैंक यू के, के उसका उसका एक एक सब यौनरा है उसी के अंदर एग्जिस्टेंशलिज़म के अंदर और उसको समझा कैसे जा सकता है एक एक मुझे मुझे क्यों पसंद है इन लोगों का काम कि जैसे मैंने वो आर्टिस्टिक वैल्यू की बात तो की आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन आर्टिस्टिक वैल्यू ज्यादा है एस्थेटिक वैल्यू ज्यादा है साथ ही साथ एक टर्म यूज़ की जाती है एग्जिटेंशलिजम के अंदर ह्यूमन कंडीशन उसको बोलते हैं हम ह्यूमन कंडीशन वही वही वो खराबात आने खरत बाख्ता सुबह होते ही सब काम पर जाएंगे कि वो ह्यूमन कंडीशन है कि आप इधर से बाहर जाएंगे तो आपको मांगने वाले भी मिलेंगे और आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अभी इफ्तार होने वाला होगा थोड़ी देर में तो वो प्लान कर रहे होंगे कि हम पर हेड वो चार हज़ार और पांच हजार वाले में जाएं जबकि लोगों के खर्चे महीने के चाराँच हज़ार होते हैं जहाँ वो कुछ लोग एक रफ्तारी पे तो ये जो वेरिएशन है इंसानी जिंदगी में खुशी गमी मालदार गुर्बत आ, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं बाहर जाके आप बोलेंगे मैं सुनूंगा कोई बाइक पे जाएगा कोई पिंडी जाएगा कोई इस्लामाबाद रहेगा ये इस सब ह्यूमन कंडीशन है दैट इज के इंसान की जो आ, उसके उसकी हस्ती के साथ जो उसके होने के साथ जो चीज़ें जु, 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 जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो आई बिलीव ये अगर हम ह्यूमन कंडीशन को बेहतर तरीके से समझ पाएँ या ह्यूमन कंडीशन को थोड़ा स्टडी कर पाएँ तो थिएटर ऑफ़ दबजर्ड हमें ज़्यादा अपील कर सकता है और अगर थिएटर ऑफ दब्जर्ड को हम देखें तो शायद हम ह्यूमन कंडीशन को भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ तो इट्स रिलेशनशिप विद द ह्यूमन कंडीशन बड़ा बड़ा क्योंकि ये तो मैंने तो आपको बहुत देखें ना घंटे के अंदर अंदर करोड़ बहुत सारी चीज़ें बता दी आप जब खेल पढ़ेंगे तो आपको एक एक डायलॉग में रिलेटिविटी uh, uh, मिलेगी आपको वो वो रिलेटेबल uh, uh, आपके uh, उससे तो नहीं होगा सोशियो इकनॉमिक कंडीशन से लेकिन आपके ह्यूमन कंडीशन से वो जरूर वो लाइनें करीब होंगी और आप बींग ह्यूमन उनको बेहतर समझ पाएंगे ना कि बींग पाकिस्तानी और बींग मुस्लिम और बींग पश्तून बट ह्यूमन आप थिएटर ऑफ रिलेट कर सकते हैं और बेहतर समझ सकते हैं आपने जो इसमें टेक्निक बताई जो मिनिमलिज्म थी जिस तरह करैक्टर्स नहीं है या डायलॉग्स नहीं है साउंड है कोई या फिर लाइट का जो आपने बताया कि बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल है और एक ख़ास किस्म का तासुर जो है ये आई थिंक मिनिमलिस्ट आर्ट की है ना ये एलिमेंट्स ये टाइमलेसनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है बड़ी हद तक एक ठहराव है या खला है तंहाई है वीरानी है ये उस तरह का है और इन द लार्जर कंटेक्सट आप तो चूँकि ख़ुद आर्ट से मुतलक हैं जो बड़ा आर्ट है या वो आर्ट जो दूर तक अपना असर छोड़ते हैं और देर तक अपना असर छोड़ते हैं वो दुख और ख़ामोशी और गम से निकलते हैं आज कल आइटम सॉन्ग्स हो रही होती हैं या बहुत दो किरदार नहीं है पूरी पीछे फौज है जो रक़ कर रही होती है लेकिन वो हमें एक हिजान में मुबला कर रहे होते वो एक बड़ा आर्ट हमें नहीं महसूस होता जो यहाँ पे टाइमलेसनेस का इसके अंदर एलिमेंट है और और ये अंदर जाने सिर्फ उस वक्त के ऑडियंस के लिए तो नहीं होगा ना ये आज भी हम उसके ऊपर गुफ्तू कर रहे हैं जिस तरह इतनी दिहाइयाँ गुजरने के बाद भी मेरे ख्याल इस मौजू के ऊपर मजीद गफ्तु जो है होनी चाहिए मुझे कोई एक एक लाइन याद आई या है मुझे आपकी गुफ्तु से मुझे वो मिल गई ना अभी जल्दी तो वो वो वही लाइन जवाब देगी एंड गेम की लाइन है नेचर हैज़ फॉर गॉटनेस वाली लेकिन मुझे चलें उसमें टाइम लग जाएगा मिलेगी नहीं बहुत बहुत, बहुत आ, अच्छा सवाल नहीं भाई टाइम टाइम एंड बैकेट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप बैकेट का बैक तमाम आपने टाइमलेसनेस की बात की ना सबसे पहले कि क्या टाइमलेसनेस को करता है रिप्रेजेंट कि नहीं मुझे भी ऐसे ही लगता है जहाँ पे टेक्निक अगर करे ना करे जो ओवरऑल प्लॉट स्ट्रक्चर है ना वो टाइमलेसनेस को वो करता है वो करता है बैकेट के प्लेस में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता टाइम एज अ मैं क्या बोलूँ टाइम एज अ मूविंग फोर्स एज समथिंग टैंजेबल और समथिंग विच इन्फ्लुएंसेस द लाइव्स ऑफ ह्यूमस वो एग्जिस्ट ही नहीं करता टाइम का कोई मान ही नहीं है बैकेट के उसमें uh, वो कहता है uh, उसको वो बोलता है कि हम कितने सालों से वेट कर रहे हैं में तो कहते हैं कर रहे होंगे दस हजार साल सौ साल पचास साल ऐसे वो उनके उनके डायलॉग्स ऐसे हैं वो कहता है कि आज क्या दिन है कहते हैं होगा थर्सडे वेटरडे वो सारे सारे दिनों के नाम ले लेता है एक दफा तो टाइम एग्जिस्ट करता ही नहीं है उनके इनके इनके काम में इसका मतलब कि ये जो डेस्टिट्यूशन है मैं इसको डेस्टिट्यूशन ही ये जो मुफलिसी है जो ह्यूमन कंडीशन है ये दरअसल टाइमलेस है अगर इंसान आ, आ, के पास शौर है तो ये शौर रनेसों वाले आदमी के पास भी जो था तो उसको भी शौरी तौर पे ये वाले मसाइल थे एग्जिस्टेंस के और ये एआई के बाद जब रोबोट्स आ जाएंगे और वो दुनिया पे कब्जा कर लेंगे तब भी इंसान के पास अगर शूर होगा तो उसको यही वाले मसाइल होंगे जो एस्ट्रागॉन और वैलाडमियर और आ, उसके हैं कि वो तब भी उन चीज़ों के पीछे होगा जिन चीज़ों का हसूल नामुमकिन है लेकिन उसको पता भी है कि नामुमकिन है फिर भी वो उसके पीछे होगा वो आ, उसका मुझे वो वो याद आ रहा है गनी ख़ान की एक वो कि वो मुल्ला जन्नत मांगेगा और जो है आ, किसान रोटी मांगेगा और मज़दूर जो है मजदूरी मांगेगा और फलसफी बहस मांगेगा और वो सारे यू you नो know, उनको पता होगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट स्टिल दे वुड जस्ट कीप ऑन यू नो फॉलोइंग जो जिसको जिसको वो हसूल जिसका नामुमकिन है तो वो टाइमलेसनेस तो है क्योंकि सब्जेक्ट मैटर टाइमलेस है उसके काम में तो आई 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 समहा एग्री और जहाँ तक रिडक्शन आपने बात की मुझे एक और वो याद आ रही है मेरा एक 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 पेपर मैंने इस पर इस पर इस पर लिखा था कि जो बैकेट के काम में साउंडस्केप नहीं है लेकिन अगर आप ये आ, इसका काम देखें ना फॉर एग्जांपल वेटिंग फॉर गडो देखें तो ये मेरे सामने भी आ जाएगा तो ये देखें ये आ गया तो बैकेट बींग अ राइटर मैंशन करते हैं इधर लिखा है अ वेरी लॉन्ग साइलेंस देखो साइलेंस और हर पेज पे आपको मिलेगा कि बैकेट गिव्स वेरी यू नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है उसको साइलेंसेस uh, को बैकेट के का साइलेंस बड़ा मशहूर है तो वो किरदारों को बताएगा कि आप चार सेकंड के लिए साइलेंस आपने रखनी है आपने वेरी लॉन्ग शॉर्ट साइलेंस लॉन्ग साइलेंस वेरी लॉन्ग साइलेंस ये आपको थ्रू आउट उसके लिखा हुआ नजर आएगा तो जहां साउंडस्केप नहीं है वहीं साइलेंस इन इट साउंडस्केप बन जाता है जो जो पीछे म्यूज़िक है म्यूज़िक तो नहीं है बट खामोशी ही म्यूज़िक के तौर पे आती है और आप जैसे लोग बेहतर तरीके से उसको समझ पाते हैं और उनको अच्छा लगता है वो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो नहीं कहा, वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे ही ये ये नारसाई है रायगानी का एहसास करेक्टर्स में है या लेकिन नारसाई है बड़ी मुस्तकिल मजाजी के साथ है कि वो दोबारा हाँ। वो लूप भी नहीं है मतलब एक तरह की अगर टाइमलेसनेस है ना तो नुक्ते में ही है और नुक्ते में ही बस ठहराव है अच्छा ये ये मेरा ख्याल है कि ना ये ये मौजूद इतने अच्छे हैं कि इस पे कोई फॉलो अप आप जरूर लेक्चर का सोचिएगा खास तौर तो पे थिएटर ऑफ एबसर्ट जाती मेरे दिल में ख्वाहिश उठी है कोई और क्वेश्चन है तो आगे से वो दोस्त थैंक यू वेरी मच तो मेरा सवाल तो बहुत बेसिक और नाइव किस्म का है कि बेसिकली जो हम लिटरेरी वैल्यू किसी लिटरेचर को देते हैं कि ये एक ड्राइव करते हैं कि ये इसको हमने क्या लिटरेरी वैल्यू है वो एक तो ये कि वो कैसे ड्राइव की जाती है किस बुनियाद पे की जाती है और फिर उसके लिहाज से अगर हम सेवन पैकेट को देखें तो ये कहाँ रेट करते हैं हम इसको कि जो इसके काम से हम लिटरेरी वैल्यू ड्राइव करते हैं और ये जो कंटेम्प्रेरी इसके जो राइटर्स हैं तो ये वहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं बिल्कुल बिल्कुल जहाँ तक लेकिन दो स्कूल हैं हमारे पास ये वैल्यू के हवाले से एक को हम बोलते हैं एस्तीड्स बोलते हैं कौन एस्थिसम से जिनका ताल्लुक है आ, और दूसरे का कोई नाम नहीं है लेकिन वो कहते हैं उनका मानना है कि अदब में या आर्ट में कोई कोई मकसद होना चाहिए कोई वो वो उस पर नहीं होते थे वो जो हम बचपन में स्टोरीज पढ़ते थे और उसके एंड पे एक मॉरल होता था कि ये मॉरल ऑफ द स्टोरीज दिस तो देर इज़ दिस दिस एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि अदब में मॉरल होना चाहिए कोई सबक होना चाहिए उन पे एस्टी ऑन दी अदर हैंड समझते हैं कि आर्टिस्टिक वैल्यू या अदब का मकसद है महजूज करना प्लेजर देना टू प्लीज इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है आर्ट का आ, या तो आर्ट का मकसद है ब्यूटी की तारीफ करना कि ब्यूटी की तारीफ़ की जाए और ब्यूटी की तारीफ़ अपने आप में ही सबसे बड़ा अमल है तो और मतलब क्यों की जाए ये नहीं है अहम की जाए ये अहम है और आर्ट का मकसद है टू प्लीज़ कि आप आर्ट्स को जब एक्सपीरियंस करें कंज्यूम करें तो आप उससे महजूज़ हों लुफ़ हासिल करें तो मैं जिस स्कूल ऑफ थाट्स से हूँ मैं भी एस्थीट्स का ही आ, उनका ही शागिरदूँ और मुझे लगता है कि आर्ट जो है वो आ, कोई उसका कोई मकसद नहीं होता कि कुछ सिखाए किसी को या आर्ट देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाए इन आ, इन इन वे के आपको कोई लाइफ लेसन मिल जाए नहीं आर्ट फॉर मी इस कि जो आर्ट आपको जितना बेहतर महजूज़ कर सकता है जितना बेहतर आपकी अटेंशन ग्रैप कर सकता है जितना आप उसको देख के अच्छा फील करते हो दैट इज़ द द वैल्यू इन इट तो मेरे लिए किसी चीज़ को रैंक करना वो होगा कि मैं उससे कितना बेहतर तरीके से महजूज़ हुआ हूँ कि नहीं मैंने कितना मैक्सिमम प्लेजर उससे डराइव किया है कि नहीं दैट्स द ओनली यूटिलिटी ऑफ आर्ट फॉर मी और दैट इज़ द ओनली वैल्यू ऑफ आर्ट फॉर मी तो अगर मैं एक किताब एक किताब है जो जिसमें बहुत सारे लाइव लेसन है लेकिन मैं महजूज़ नहीं हो रहा हूँ मुझे प्लेजर नहीं मिल रहा तो इट्स इट्स मोर लाइक के आ, मुझे मैं खाना पर्सनली जो मेरे खाने का शौक़ है कि मैं टेस्ट को प्रेफर करता हूँ न्यूट्रिशन पे तो तो अगर मैं दलिया इतना सेहतमंद चीज़ है लेकिन मैं नाश्ते में स्टिल जो है वो सैंडविच खाता हूँ वो भी वो वो चंक्स वाला ताकि मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है ना कि मुझे न्यूट्रिशन हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ इधर तो मुझे मकसद नहीं अच्छा लगता आर्ट का मुझे लसन नहीं तो मेरे नज़दीक वैल्यू है कि कितना वो मुझे प्लीज़ कर रहा है कितना मुझे वो जैसे टेस्ट मुझे प्लीज़ कर रहा है दैट्स दैट्स वन थिंग बैकेट को कहाँ रैंक करेंगे ये तो हर बंदा अपने तरीके से बता सकता है यकीनन uh, मैं उसको पिछले सदी का शायद सबसे बड़ा प्ले राइट जानूँ पिछले सदी में हालांकि बहुत बड़े और नाम भी एग्जिस्ट करते हैं दूसरा बहुत बड़ा नाम जो बिल्कुल ऑपोजिट है बैकेट के वो यू जीनो नील का है अमेरिकन प्ले रियलिस्ट है बिल्कुल मुख्तलिफ है बेकेट से कुछ लोग कहेंगे कि यूजी नील है नोबेल लॉरियट है नील भी आ, कुछ लोग कहेंगे कि बैकेट है शायद कुछ लोग कहें हैरल्ड पिंटर है आ, लेकिन मेरे नज़दीक पिछले सदी का सबसे बड़ा प्ले राइट एटलीस्ट बैकेट है वो अच्छा हो ना हो शायर नहीं है वो यकीन उससे बड़े शौरा मौजूद हैं क्रिटिक्स भी बड़े होंगे बट प्ले राइट्स इफ बीसवीं सदी की मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा मेरे नज़दीक सेमिल बैकेट है आ, उसकी वजह मैंने वो इस सारे आपको बताई कि वो मास्टर है अपने काम का और टेक्निक भी उसकी नई है और काम भी उसका आ, रिलेटेबल ना होते हुए भी रिलेटेबल है मतलब आप उस आ, आप जो होते आप जब खेल देखते हो तो आप ने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता फिर भी महजूज़ आप पूरे होते होते दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने वो वो उनका एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन प्लेजर आपको पूरा मिल रहा है मतलब मैंने वेटिंग फॉर गडो लाइव देखा हुआ है बड़ी प्रोडक्शन का जिसका आप देख रहे थे इनका इनका देखा है मैंने और मैं पूरे तकरीबन नाओ नाओ वेटिंग फॉर गडो सवा घंटे डेढ़ घंटे का खेल तो है और लवड इट मतलब फॉर फॉर वन एंड हाफ आवर तो मुझे लगता है कि द प्लेजर प्लेजर जितना है वो में फैक्टर, और नज़दीक पिछले सदी का सबसे बड़ा प्ले राइट। um, I really appreciate कि आपने इतने को से कराया। Thank you. Thank you. तो इसका लोकल थिएटर में आपका कोई है इसका प्रोडक्शन के प्रोडक्शन में लेके आना इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके क्योंकि नैर भाई सर बताया कि आपका वो किस खानी थिएटर भी इसके तो इस बारे में आ, वेटिंग आपको बात पंजाबी में हो चुका है. आ, पंजाबी में ट्रांसलेशन मैंने आज से आ, बहुत साल पहले पता नहीं काफी टाइम हो गया सईद बुक बैंक में देखी थी बिक रही थी ये? उड़ीका के नाम से हाँ अभी आया अच्छा अभी आया. अच्छा अभी आया ज़िया महीदीन साहब नापा में डायरेक्ट करवा चुके हैं उर्दू में वेटिंग मेरे ख्याल से खालिद अहमद साहब की ट्रांसलेशन है तो यकीन वो बड़े हम हम कौन होते हैं मतलब कि उन लोगों ने कराया हम आ, कराने का सोच सकते हैं बट हमारे मसाइल इतने पेचीदे हैं ना हमारे मसाइल ये हैं कि हम जब इस तरह का खेल करवाते हैं तो हम टिकट नहीं बेच पाते उसका हम खर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये इधर इधर वो मेरा दोस्त कहता है एक वो नापा का है स्टूडेंट टीचर है आजकल तो उधर वो कहता है कि यार वेटिंग फॉर गडो दुनिया का बड़ा खेल है लेकिन पाकिस्तान में बहुत छोटा खेल है क्योंकि खेल के लिए रिलेटिबिलिटी होना मस्ट है हम हमारा एक्सपोजर अभी नहीं है वेटिंग फॉर गडो का एज अ कॉम तो सबसे पहले हम जरा थोड़ा सा बेसिक थिएटर देखने का रिवाज डालें तो फिर हम जाके इधर तक ये वाले वो कर सकते हैं मेरा उससे उस दोस्त से उस तो अख्तिलाफ है लेकिन मसला ये है कि अगर मैं थिएटर करवाऊँगा वेटिंग फॉर गडो तो मेरे उसमें लाखों रुपए लग जाने हैं वो आपको पता है थिएटर तो पैसों का होता है और अगर मैं उसका मुफ्त करवा दूंगा आ, तो शायद मैं हाउसफुल भेज आ जाए मेरे ऑडियंस मैं हम नियर भाई को पता है आलम भाई को पता है हम लोग करवाते रहते हैं तो अगर मैं उसको पी में हमने करवाया सिमिलर टाइप का एक थिएटर था उसका हमने आ, कोई चार्जेस नहीं रखे तो हमारा हाउसफुल गए चारों दिन पूरा पी भरा रहा हमने हमने सौ सौ दो दो सौ लोग वापस कराए जब हमने नॉर्थ नाइलिज्म पहली मरतबा करवाया इधर नियर को याद होगा ये सारी जगह भरी हुई थी अंदर शहर करवाया सारी जगह भरी हुई थी क्योंकि सारे थे मुफ्त शोज़ जब हमने एक पेड शो करवाया ऑगस्टिनबर्ग हमारे एक प्ले राइट हैं आप उन्हीं का हमने क्या चले इनसे स्टार्ट करते हैं ज़रा ये आसान है हमने वो करवाया और वो पेड हमने शो रखवाया तो च चार शोज थे और मेरे ख्याल से मैक्सिमम ऑडियंस हमारी शायद इतनी थी जितनी अभी इसके अंदर है क्योंकि वो पेड शो था और बड़ा मिनिमम मेने, मे, सा उसका हमने टिकट रखा था तो अब हम थोड़ा सा मसला ये हो गया कि हम जब थिएटर करवाते हैं तो चूँकि मैं अकेला नहीं हूँ मेरे साथ पूरी पूरी प्रोडक्शन है ग्रुप ए टीम है तो उनका वो होता है कि यार वो मैं तो फिर भी पढ़ा रहा हूँ नौकरी है मेरी वो फुल टाइम नापा से पड़े हुए एक्टर्स डायरेक्टर्स हैं उनका तो फुल टाइम का यही काम है रोजी रोटी उनकी वो कहता है यार तुम्हारे पास तो ऑप्शन है तुम नौकरी करते हो कह देते हो कि मुफ्त करा लो मुफ्त करा लो तो तो तुम तुम्हारे तो खैर है हम मतलब हमारा तो ये काम है तो हम जब मुफ्त कराते हैं तो हमें मसाइल होते हैं तो टिकट रखना मस्ट है तो टिकट रखवाते हैं लोग नहीं आते मुफ्त कराते हैं तो उनके मसाइल हैं तो इसलिए हम अभी तक इन खेलों पर हाथ ही नहीं डाल सके इस वजह से कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि इसको इसका वो लॉजिस्टिकली और वो प्रैक्टिकली इसको कैसे हम मैनेज करें आर्टिस्टिकली और क्रिएटिवली तो हम कर लेंगे बट वो लॉजिस्टिक और प्रैक्टिकल और पैसों पैसों वाले मसायल हैं हमें सर स्पॉन्सर हमारी हम स्पॉन्सर ढूँढने पे गिव अप कर चुके हैं हम बस अब नहीं ढूँढते हम जितना हम प्रेजेंटेशंस बना कर हम स्पॉन्सर्स के पास गए अभी तो बड़ी फॉर्मल ये बैठक हो रही है हम जब थे बोलते हैं थिएटर थिएटर का स्पॉन्सर लेने आए हैं हम आपके पास तो पहला सवाल हमें वही मिल मतलब वही मिलता मैं उसका एग्जैक्ट सवाल तो रिपीट नहीं कर सकता हूँ बट थिएटर से मतलब चला जाता है पंजाबी स्टेज ड्रामो की तरफ तो इन इनवी से थिएटर पीपल थिंक इन पाकिस्तान की वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टन काइंडस ऑफ डांसिस के वो उन्हें लग रहा है कि हम वो एरोटिक डांसेस करवाना चाह रहे हैं शायद इस वजह से हम स्पॉन्सर तो वो फिर पहले तो आधा घंटा तो उनको समझाना होता है कि उसके अलावा भी थिएटर एग्जिस्ट करता है मतलब थिएटर उसके अलावा भी एक फील्ड ऑफ आर्ट है जो एग्जिस्ट करती है और वो भी है वो भी फील्ड ऑफ आर्ट है ऐसा नहीं है कि वो फील्ड ऑफ़ आर्ट नहीं है लेकिन मतलब उसके अलावा भी थिएटर के और भी वो हैं इस्तेमाल है, है थिएटर का तो आधा घंटा उसमें गुजर जाता है आधे घंटे के बाद वो चूँकि पैसे वाले होते हैं सेठ साहब होते हैं स्पॉन्सर तो गरीब लोग से मांग लोग नहीं मांगने जाते तो उनका टाइम ख़त्म हो जाता है तीस मिनट बाद तो बस फिर हम हम तो हम उनको स्पॉन्सर की बजाय आधे घंटे में सिर्फ ये समझा पाते हैं कि थिएटर होता क्या है इन दैट सेट मतलब तो हाँ एजुकेट हो जाते हैं हमने फिर सोचा कि बस छोड़ ही देते हैं ये वाला हम ब्लैक होल में कराते रहे हैं ब्लैक होल में आ, ब्लैक होल का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि हम यहाँ पे आ, हमें ये वाली टेंशन नहीं होती रिसोर्सेज वाली के आ, पैसे कैसे क्योंकि हमें जगह भी मिल जाती है ऑडियंस भी मिल जाती है तो ब्लैक होल में पिछले साल हमने चार एक शोज करा चुके हैं डिफरेंट मतलब वो कराते रहे हैं रेगुलर विदाउट चार्जेस पी एन सी ए वगैरह जाते हैं बड़े जाते हैं फिर हमें स्पॉन्सर की जरूरत होती है तो इन शाला इरादा हम जुड़े रहेंगे नैयर भाई लोगों के साथ ब्लैक होल के साथ और कराते रहेंगे थैंक यू सो मच नैर भाई थैंक यू uh, पूरी टीम ब्लैक होल फैसल भाई जैब भाई आलम भाई थैंक यू सो मच थैंक यू जी सर थैंक यू सो मच थैंक यू